ओके बच्चों, आज हम लोग हमारे सबसे पहला चैप्टर जो है रोटेशनल डायनेमिक्स, उसका रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? रोटेशनल डायनेमिक्स। उसका रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि हम लोग बेसिकली रोटेशनल डायनेमिक्स में क्या क्या जानते हैं। मैंने तो आप लोगों को पहले भी पढ़ाया हुआ है, आज हम लोग उसका रिविजन करने वाले हैं। तो आपके फिजिक्स के टेक्स्ट बुक का सबसे पहला चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स, इसका आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा इसका क्या है? सर्कुलर मोशन, और दूसरा हिस्सा क्या है? रोटेशनल मोशन। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करें। तो पहला हिस्सा है सर्कुलर मोशन और दूसरा हिस्सा इसका है वो है रोटेशनल मोशन। तो आइए एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आज सबसे पहले हिस्से को टारगेट करते हैं, सर्कुलर मोशन को। सर्कुलर मोशन में क्या क्या पढ़ना है, आइए आपको एक बार मैं समझाता हूँ कि सर्कुलर मोशन में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे। जो आपका चैप्टर है सर्कुलर मोशन, इसमें सबसे पहली चीज जो आप लोग पढ़ते हैं वो इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसका डेफिनेशन, कि सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन क्या है। सर्कुलर मोशन के डेफिनेशन के बाद आप लोग इसके अंदर पढ़ते हैं कि भाई सर्कुलर मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। एक UCM होता है और एक क्या होता है? नॉन UCM। इसके बाद आप लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, UCM नॉन UCM के बाद आप लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसके बाद आप लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में आप लोग क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर आप लोग पढ़ते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। फिर आप लोग पढ़ते हैं राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, यानी इनके डायरेक्शंस के ऊपर चर्चा करते हैं। फिर आप लोग टाइम पीरियड पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं। फिर आप लोग पढ़ते हैं वी का फॉर्मूला क्या है, एसी का फॉर्मूला क्या है, एटी का फॉर्मूला क्या है और ए नेट का फॉर्मूला क्या है। ये सारी चीज़ें आप लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद आप लोग इसका डायनेमिक्स वाला पार्ट पढ़ते हैं। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में आप लोग बेसिकली सेंट्रिपिटल फोर्स एंड सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। इसमें जनरली आपको क्या करना है? डिस्टिंक्शन पढ़ना है, बस इसका डिस्टिंक्शन पढ़ लो, बेसिक फॉर्मूला याद रख लो, हो जाएगा काम, ठीक। फिर आप लोग क्या करते हैं इसके अंदर डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बाद, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बाद आप लोग बेसिकली पढ़ते हैं आपका एप्लीकेशंस ऑफ UCM। क्या पढ़ते हैं इसके अंदर? एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये पढ़ते हैं। इसके एप्लीकेशंस में कई सारे छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं। एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सबसे पहली चीज आप लोग पढ़ते हैं टर्निंग ऑफ अ व्हीकल। टर्निंग ऑफ अ व्हीकल, एक व्हीकल की टर्निंग, जिसको हम लोग पहले से फ्रिक्शन की हेल्प से टर्न कराते हैं, फिर बैंकिंग की हेल्प से टर्न कराते हैं, फिर फ्रिक्शन प्लस बैंकिंग की हेल्प से क्या कराते हैं? टर्न कराते हैं। टर्निंग ऑफ अ व्हीकल इसका पहला एप्लीकेशन है। दूसरा इसमें हम लोग पढ़ते हैं वेल ऑफ डेथ। क्या पढ़ते हैं? वेल ऑफ डेथ, वेल ऑफ डेथ देखते हैं हम लोग। तीसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं इसके अंदर? वेल ऑफ डेथ के बाद हम लोग इसके अंदर देखते हैं हमारा कॉनिकल पेंडुलम। क्या पढ़ते हैं? कॉनिकल पेंडुलम। तो कॉनिकल पेंडुलम आप लोग पढ़ते हैं। इसके बाद कॉनिकल पेंडुलम के बाद आप लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं स्फीयर ऑफ डेथ, या ग्लोब ऑफ डेथ कह लो आप लोग, स्फीयर ऑफ डेथ। वैसे इसको VCM के बाद पढ़ाना चाहिए, जो VCM आएगा तब आपको पता लगेगा कि बेसिकली इसमें होना क्या है। तो तीन इसके एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। चौथे एप्लीकेशन में आप लोग क्या करते हैं? वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं। इसमें दो अलग अलग केसेस पढ़ते हैं, मास टाइड टू अ स्ट्रिंग, मास टाइड टू अ स्ट्रिंग, और दूसरा है मास टाइड टू अ रॉड। मास स्ट्रिंग को कनेक्टेड है, टाइड है, या फिर रॉड को टाइड है। और इसके बाद हम लोग आपका स्फीयर ऑफ डेथ देखते हैं। स्फीयर ऑफ डेथ बेसिकली कुछ नहीं है, बता देंगे कि वो कॉनिकल पेंडुलम और VCM का कॉम्बिनेशन है। और लास्ट में आप लोग इसके अंदर पढ़ते हैं व्हीकल ऑन अ कॉन्वेक्स ब्रिज, व्हीकल ऑन अ कॉन्वेक्स ब्रिज। एक कॉन्वेक्स ब्रिज पर जो आपका व्हीकल चलेगा तो उस पर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और वो कब कॉन्टैक्ट छोड़ेगा, कितनी स्पीड पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग ये टॉपिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो शुरू कहाँ से करना है? डेफिनेशन से, फिर आगे चलते जाना है, और लास्ट में अपने को क्या करना है? लास्ट में अपने को ये सारी चीज़ें देखना है। तो आज के सेशन में हम लोग ये पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे फिर से एक बार, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहला टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है कि सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन क्या होता है। क्या होता है डेफिनेशन सर्कुलर मोशन का? मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। समझ आया? तो सबसे पहले डेफिनेशन में क्या लिखेंगे आप? मोशन ऑफ अ पार्टिकल, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल,
along the circumference of a circle. अगर कोई पार्टिकल सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. बात समझ आई? तो अगर कोई पार्टिकल क्या करता है, सर्कल के सर्कमफेरेंस में मूव करता है, तो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. पूरे सर्कल में घूमना जरूरी नहीं है, अगर वो छोटे से आर्क पर भी चलता है तो उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन. इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं सर्कुलर मोशन के, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ द टिप ऑफ द हैंड ऑफ अ क्लॉक. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? मोशन ऑफ अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. तो ऐसे कई सारे इसके क्या है, एग्जांपल्स हैं. यहाँ तक समझ आया? तो सबसे पहली चीज क्या पढ़नी है, इसका डेफिनेशन क्या है. क्या डेफिनेशन बोलो? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन. ठीक है ना, ये इसका डेफिनेशन हो गया. इसके बाद क्या पढ़ना है, नेक्स्ट चीज बताओ. नेक्स्ट क्या पढ़ना है, इसके टाइप्स पढ़ना है. सेकेंड क्या पढ़ना है, इसके टाइप्स. तो टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन हम लोगों को पढ़ना है. तो टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन में सबसे पहली चीज अपने को क्या देखनी होती है, सबसे पहली चीज अपने को देखनी होती है इसके अंदर, इसका बेसिकली यूसीएम और नॉन यूसीएम. उसके दो टाइप्स होते हैं, यूसीएम और नॉन यूसीएम. यूसीएम क्या है, नॉन यूसीएम क्या है, बताइए फटाफट से. अगर कोई पार्टिकल क्या करे, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे और हर पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या हो, कॉन्स्टेंट हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो यूसीएम परफॉर्म कर रहा है. और हर पॉइंट पे स्पीड अगर वेरिएबल होगी तो नॉन यूसीएम परफॉर्म कर रहा है. तो यूसीएम मतलब पार्टिकल का क्या हो, हर पॉइंट पे स्पीड. जैसे यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर भी कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड. यहाँ पर भी कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड. यहाँ पर भी कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड. तो हर पॉइंट पर अगर स्पीड कॉन्स्टेंट है तो यूसीएम होगा, और स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं है, हर पॉइंट पर अलग अलग स्पीड है, तो नॉन यूसीएम होगा. बात समझ आई? अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पीड अगर उसकी कांस्टेंट है तो हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी भी क्या है, उसकी कांस्टेंट है. आपको पता होगा यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है. यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ आया? जो आपका स्पीड कांस्टेंट अगर वो बोल दिया जाए, अगर बोल दे कि स्पीड कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यूसीएम के लिए ही आप फिर टाइम पीरियड डिफाइन कर पाएंगे. अगर वो क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर स्पीड से ही घूम रहा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम में अपना सर्कल कंप्लीट करेगा, तो उसी का टाइम पीरियड होगा और उसी की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी. तो अगर सवाल में आपको टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी या स्पीड कांस्टेंट दे दी जाए, मतलब आपको आंख बंद करके समझ लेना है कि वो क्या है, यूसीएम परफॉर्म कर रहा है. बात समझ आई? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है, मतलब वो क्या परफॉर्म कर रहा है, यूसीएम परफॉर्म कर रहा है. ठीक है ना, आपको नॉन यूसीएम वैसे भी ज्यादा पढ़ना है नहीं. तो स्पीड कॉन्स्टेंट होगी और क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी. तो क्या क्या समझ आया अब तक बताओ? सर्कुलर मोशन क्या है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन. एग्जांपल आपको याद हो जाएंगे. ठीक, इसके बाद क्या, कितने टाइप के सर्कुलर मोशन होते हैं? हाँ, दो टाइप के. कौन कौन सा? यूसीएम और नॉन यूसीएम. यूसीएम क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. क्या मतलब होता है इसका, अगर कोई पार्टिकल सर्कल के सर्कमफेरेंस में घूमे लेकिन कॉन्स्टेंट स्पीड से घूमे, हर पॉइंट पे उसकी स्पीड अगर कॉन्स्टेंट है तो यूसीएम है, हर पॉइंट पे स्पीड अगर बदल रही है तो नॉन यूसीएम. बस समझ आई, दो चीजें होंगी. तीसरे पार्ट में क्या करना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने. क्या पढ़ने, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, वो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूसीएम बता रहा है, क्योंकि आपको यूसीएम ही पढ़ना है जनरली इस चैप्टर में. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बोलो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा इसका, इट इज पीरियोडिक. और इट इज सेकेंड आएगा इससे, इट इज एक्सेलरेटेड. पीरियोडिक मोशन है, क्यों पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि वो क्या करता है, अपने आप को एक पर्टिकुलर पाथ पे भी रिपीट करता है और साथ साथ में एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की बात भी अपने को आपको क्या करता है, रिपीट करता है. तो इट इज पीरियोडिक इन स्पेस एंड टाइम. इट इज पीरियोडिक इन स्पेस एंड टाइम. स्पेस और टाइम दोनों में पीरियोडिक है. स्पेस में मतलब क्या, बोलो स्पेस में मतलब क्या, एक पर्टिकुलर पाथ पे अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है. तो स्पेस बोलने से पहले बेटर है इसको बोलो, इट इज पीरियोडिक इन पाथ एंड टाइम. बस समझे, पर्टिकुलर पाथ में अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है, और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा. तो इससे पीरियोडिक इन पाथ एंड टाइम. सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा इट्स एन एक्सेलरेटेड मोशन. इट्स एन एक्सेलरेटेड मोशन. ये क्या है, एक एक्सेलरेटेड मोशन. एक्सेलरेटेड क्यों है बताओ, मैं तो यूसीएम की बात कर रहा हूँ. आपकी टेक्स्ट बुक में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन लिखा हुआ है, लेकिन वो असल में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. बात समझ आई? अब बताओ एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे उसकी स्पीड अगर क्या है, 5 है 5 है 5 है और 5 है, तो स्पीड तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी अलग अलग है. कैसे, डायरेक्शन हर पॉइंट पे वेलोसिटी का बदल रहा है. बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? तो एक ऐसा मोशन है एक्सेलरेटेड, हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. यहां तक क्लियर है? तो सबसे पहले क्या समझ आया, डेफिनेशन बोलो सर्कुलर मोशन का, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल. उसके बाद एग्जांपल आपको याद रहेंगे. क्या एग्जांपल है,
मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ द टिप ऑफ द हैंड ऑफ अ क्लॉक, तीन याद कर लो कम से कम। उसके बाद क्या पढ़ा हम लोग ने, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, कौन कौन सा, यूसीएम और नॉन यूसीएम। यूसीएम में क्या होगा, पार्टिकल मूव करेगा, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, वही है सर्कुलर मोशन, विद कॉन्स्टेंट स्पीड अगर लग जाएगा तो यूसीएम है, विद वेरिएबल स्पीड लग जाएगा तो नॉन यूसीएम है। समझ आया, ऐसा है। उसके बाद क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन सी, इट इज पीरियोडिक इन पाथ एंड टाइम, सेकंड इट्स एन एक्सेलरेटेड मोशन। बात समझ आई, ऐसा है, ठीक है ना। चलो ये भी समझ में आता है, आगे चलते हैं। इसके बाद अपने को पढ़ना है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो काइनेमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, इसमें अपने को पढ़ना है थीटा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे पहले क्या पढ़ना है इसके अंदर, सबसे पहले पढ़ना है इसके अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि क्या होता है, एक्चुअली थीटा नहीं होता एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, होता है डेल्टा थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेल्टा थीटा। ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना, समझिए। इससे पहले एक और चीज आपको पढ़ानी चाहिए थी, वो थी एंगुलर पोजीशन, जो मॉड्यूल में गिवन है, हम लोग एंट्रेंस में देखते हैं वो। एंगुलर पोजीशन पहले पढ़ानी चाहिए, बाद में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ना चाहिए, लेकिन ये डायरेक्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही पढ़ाते हैं। मैं आपको मतलब समझाता हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, शुरुआत में पार्टिकल यहाँ पर था, या फिर मान लो पार्टिकल शुरुआत में यहाँ पर था, कितने एंगल पर, 30 के एंगल पर, ठीक है ना। अब चलते चलते पार्टिकल जो है वो यहाँ कहीं पहुंच जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये एंगल हो गया अभी कितना, 45 डिग्रीज, एंगल टोटल कितना ही है, 45 डिग्रीज। समझ आया, पार्टिकल पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पहुंचा। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब वो दो पर है इसके एंगुलर पोजीशन बताओ, तो आप बोलोगे 45, क्योंकि मैंने इसको क्या माना है, रेफरेंस माना है। बात समझ आई, एंगुलर पोजीशन क्या है, हाँ, टू पे पोजीशन क्या है, 45 डिग्रीज। अगर मैं पूछता हूँ कि इसकी पोजीशन बताओ वन पे, तो उसकी पोजीशन क्या थी, 30 डिग्री। अब मैं आपसे पूछता हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है डेल्टा थीटा, और वो होता है थीटा टू माइनस थीटा वन। तो उसका डिस्प्लेसमेंट 45 डिग्री थोड़ी हुआ है, वो तो पहले से ही कितने पे था, 30 पे था। अब मैं बोलता हूँ वन से टू में जाने में इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप क्या करोगे, 45 माइनस 30 कितना आएगा, 15 डिग्री। बात समझ आई, आपकी बुक में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट कर दिया है, थीटा मतलब एंगुलर पोजीशन, एक्चुअली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा थीटा। बात समझ आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग लीनियर मोशन में पढ़ते हैं, पार्टिकल शुरुआत में, ये ओरिजिन है, पार्टिकल शुरुआत में 3 पे था, बाद में पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, बाद में पार्टिकल पहुंच गया 5 पे, बताओ पहले उसकी पोजीशन बताओ, शुरुआत में पोजीशन 3 है, तो x1 क्या लिखोगे, 3, बाद की पोजीशन बताओ 5, मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछता हूँ, तो आप लिखोगे x2 माइनस x1, देखिए मैं गया, तो डिस्प्लेसमेंट उसका 5 थोड़ी हुआ है, वो तो सीधा शुरू कहाँ से किया उसने, 3 से, तो आप डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे, x2 माइनस x1, यानी 5 माइनस 3 यानी 2, ये इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन, वेक्टर फॉर्म में चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अब समझ आया, तो शुरुआत कहां से होनी चाहिए, एंगुलर पोजीशन से, एंगुलर पोजीशन उसकी थीटा है, और आपको क्या निकालना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करोगे आप, थीटा 2 माइनस थीटा 1। अगर वो शुरू में यहां पर होता, यहीं पे शुरू में होता, तो एंगल कितना था, 0, तब उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता, 45, क्योंकि बाद में वो कहां पहुंचा, 45 पे पहुंचा, भेजे में गया, ये फर्क है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इसको तो डिफाइन करना है, तो मैंने आपको चीजें बता दी इसके अंदर जो ऐसे होनी चाहिए थी इस तरीके से। तो मुझे बताइए, अगर आपको उसको डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करेंगे आप, बताइए, बोलो भाई कैसे डिफाइन करेंगे आप, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होगा, बोलो, डेफिनेशन याद नहीं किया अब तक। अगर कोई पार्टिकल आपके पास है जो क्या कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो मेरे पास यहाँ पर कोई पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब क्या होता है, वो जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसकी पोजीशन बताने के लिए हम लोग एक वेक्टर बनाते हैं हमेशा, क्या बनाते हैं, एक वेक्टर बनाते हैं। तो उसकी पोजीशन बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर बनाते हैं, तो अलग अलग वेक्टर हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन बताने के लिए मैंने एक वेक्टर ये बनाया, ये एक वेक्टर बनाया सेंटर से, और जब पार्टिकल यहाँ पहुंच गया तो कौन सा वेक्टर बनाऊंगा, ये वेक्टर बनाऊंगा। ये क्या करेगा, ये पार्टिकल की पोजीशन बताएगा, क्या करेगा, पार्टिकल की पोजीशन बताएगा, बेसिकली समझ में आ रहा है। ये वाले वेक्टर को कहते हैं रेडियस वेक्टर, क्या होता है इसको, रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर दोनों भी हो सकता है। तो जब पार्टिकल वन पोजीशन से सेकेंड पोजीशन तक गया,
तो यहां से यहां तक जाने में रेडियस वेक्टर ने कितना एंगल कवर कर लिया, कुछ थीटा कवर कर लिया होगा, बात समझ आई। इसी एंगल को क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, बात समझ आई। पार्टिकल यहां पर था, यहां से यहां पहुंचा, तो यहां से यहां तक जाने में कुछ ना कुछ एंगल कवर किया होगा, क्यों, क्योंकि हमको उसकी पोजीशन बतानी है इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो हम लोग बोलेंगे इसके डेफिनेशन में, एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर व्हेन द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, बात समझ आई। तो जब कोई पार्टिकल क्या करे, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाए, उतने में जो रेडियस वेक्टर ने एंगल कवर कर लिया, उस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जैसे मैं गया, ठीक है ना, तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बताओ जल्दी से, बोलो भाई, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी है उसका ओमेगा, उसका सिंबल क्या है, ओमेगा। बात समझ आई, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तो आपको बताया मैंने, थीटा टू माइनस थीटा वन, और अगर उसको डेल्टा थीटा की जगह सिर्फ थीटा से भी डिनोट कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, तो ये आर्क, आर्क लेंथ डिवाइड बाय क्या है, ये वाला रेडियस। बात समझ आई, इन दोनों को डिवाइड करके भी क्या मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा। यूनिट इसका क्या है, रेडियन है, क्या यूनिट होता है इसका, रेडियन। और स्केलर है के वेक्टर है, दोनों है, कब स्केलर कब वेक्टर, फाइनाइट है तो स्केलर है और इनफाइनाइटेसिमल है तो वेक्टर है। बात समझ आई, फाइनाइट है तो क्या है, स्केलर है और इनफाइनाइटेसिमल है तो वेक्टर है। तो बहुत छोटा होगा तब क्या होगा, वेक्टर, वेक्टर तो डायरेक्शन देना पड़ेगा, तो उसका डायरेक्शन किससे दिया जाता है, राइट हैंड थंब रूल से दिया जाता है। किससे दिया जाता है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, जिस सेंस में पार्टिकल क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उस सेंस में क्या करो, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो, तो जो आउटस्ट्रेच थंब होगा वो क्या करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देगा। जब मैं गया तो सबसे पहली क्वांटिटी आपने क्या पढ़ी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर व्हेन द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। बात समझ आई कि जब पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाएगा तो जो आपका रेडियस वेक्टर है उसने जो एंगल ट्रेस किया उस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। फॉर्मूला बताओ, चेंज इन पोजीशन या फिर चेंज इन एंगुलर पोजीशन या फिर आर्क अपॉन रेडियस। ज्यादा काम क्या आएगा, आर्क अपॉन रेडियस। यहां तक समझ आता है, यूनिट क्या है, रेडियन है, स्केलर है के वेक्टर है, दोनों है, कब स्केलर कब वेक्टर, फाइनाइट है तो स्केलर है, इनफाइनाइटेसिमल है तो वेक्टर है। वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन किससे देंगे, राइट हैंड थंब रूल से। क्या डायरेक्शन, जिस सेंस में पार्टिकल घूम रहा है उस सेंस में क्या करो, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो, तो आउटस्ट्रेच थंब क्या करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देगा। भेजे में गया। अब उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का बेसिकली फॉर्मूला क्या बनेगा, या उससे पहले एंगुलर वेलोसिटी कितने टाइप की होगी, दो, एक कौन सा होगा एवरेज, एक कौन सा होगा इंस्टेंटेनियस। जो लीनियर मोशन में पढ़ा सेम वैसे यहां भी पढ़ना है। एंगुलर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बताओ, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ये क्या होगा, डी थीटा बाय डी टी। सबको क्लियर, इसका यूनिट बताओ, रेडियन पर सेकेंड बनेगा। स्केलर के वेक्टर है, वेक्टर है, स्केलर के वेक्टर है, वेक्टर है। डायरेक्शन क्या होगा, जहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वहां एंगुलर वेलोसिटी। बात समझ आई, ध्यान रखना। चलो भी ये भी समझ में आता है, एंगुलर वेलोसिटी हो गया। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ, बोलो, एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंबल क्या है, अल्फा। ये भी दो टाइप का होगा, कौन कौन सा बताओ, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज का फॉर्मूला डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला डी ओमेगा बाय डी टी। यूनिट क्या बनेगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। स्केलर के वेक्टर है, वेक्टर है, डायरेक्शन पे ध्यान देना। यही पूछा गया था नीट के एग्जाम में 2023 में कि अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा, तो बहुत सिंपल पूछा था उसने कि अल्फा कहाँ होता है, तो अलोंग दी एक्सिस होता है। थीटा ओमेगा अल्फा तीनों कहाँ होते हैं, अलोंग दी एक्सिस होते हैं, तीनों एक्सियल वेक्टर है तो अलोंग दी एक्सिस होगा। लेकिन इसके डायरेक्शन में एक ट्विस्ट ये है कि पार्टिकल घूमते वक्त अगर अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है तो अल्फा ओमेगा के डायरेक्शन में होगा। पार्टिकल घूमते वक्त क्या कर रहा है, अगर अपनी स्पीड बढ़ा रहा है तो यहां पर फॉर एग्जांपल ऐसे पार्टिकल घूम रहा है, बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां होगा, ऊपर। एंगुलर वेलोसिटी कहां होगी, ऊपर, क्योंकि जहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वहां एंगुलर वेलोसिटी, और स्पीड बढ़ रही है तो अल्फा भी ऊपर। भेजे में गया। और अगर स्पीड घट रही होती तो इधर ही घूम रहा है लेकिन स्पीड कम हो रही है, बोलो थीटा कहां होगा, ऊपर। ओमेगा कहां होगा, ऊपर, लेकिन अल्फा नीचे। बात समझ आई। तो अगर स्पीड घटेगी तो अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा से उल्टा होगा। भेजे में गया।
कोई दिक्कत नहीं, चलो भी समझ में आता है। तो थीटा हो गया, ओमेगा हो गया, अल्फा हो गया, तीनों के बारे में सब बता दिया, डायरेक्शन भी आपको समझा दिया मैंने और उसके यूनिट भी बता दिए कि किसका क्या यूनिट बनेगा। सबको क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, रिविजन करते हैं। सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन बताओ। मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल दो, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, और मोशन ऑफ टिप ऑफ द हैंड ऑफ अ क्लॉक। पूरे हैंड का मोशन क्यों नहीं ले रहे, टिप का मोशन क्यों ले रहे? हाँ, सर्कुलर मोशन पार्टिकल परफॉर्म करता है। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में एक बेसिक फर्क ये होता है कि सर्कुलर मोशन एक पार्टिकल परफॉर्म करता है और रोटेशनल मोशन एक बॉडी। एक बॉडी सर्कल में घूमेगी तो रोटेशनल मोशन, पार्टिकल सर्कल में घूमेगा तो सर्कुलर मोशन। चलो भाई, यहां तक समझ में आता है। इसके बाद क्या आगे, आगे हम लोग ने पढ़ा नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होता है बताओ, यूसीएम और नॉन यूसीएम। यूसीएम क्या होता है? मोशन ऑफ अ पार्टिकल, पूरा बोलो, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। और नॉन यूसीएम, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद वेरिएबल स्पीड। चलो भाई, अगर यूसीएम का कोई एग्जांपल पूछेगा आपसे क्या बोलोगे? यूसीएम का एग्जांपल पूछेगा तो क्या बोलोगे? तो तीन एग्जांपल सर्कुलर मोशन के पड़े, वो तीनों यूसीएम के एग्जांपल, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से हम लोग चला रहे हैं। अगर नॉन यूसीएम का एग्जांपल पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, जिसमें स्पीड वेरी कर रही है उसकी? बोलो, आप उसका एग्जांपल दोगे वीसीएम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो आपके सिलेबस में। ऐसे तो सैकड़ों एग्जांपल हो सकते हैं, आप अपने सिलेबस से अगर एग्जांपल देंगे तो वीसीएम। वीसीएम मतलब क्या? पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे, लेकिन कौन से प्लेन में? वर्टिकल प्लेन में। आसमानी झूला घूमता है कौन से प्लेन में? वर्टिकल प्लेन। उसके पीछे तो मशीन लगी हुई है, मशीन उसको यूसीएम परफॉर्म कराती है। और अगर वो अपने आप ही मूव कराए, एक रस्सी आप लो, उसके एक एंड पे पत्थर बांधो और उसको वीसीएम परफॉर्म कराओ, ये वाला मोशन, वो कभी भी यूसीएम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब उसको ऐसे घुमाएंगे तो यहां से जब वो ऊपर जाएगा तो स्पीड जी क्या करेगी, उसकी स्पीड को घटाएगा, और जब वो यहां पहुंचेगा तो हाँ ग्रेविटी स्पीड क्या करेगी, बढ़ाएगी, वो यूसीएम हो ही नहीं सकता। वीसीएम कभी भी यूसीएम नहीं हो सकता। बात समझ आई? वीसीएम यूसीएम कब हो सकता है? जब उसके पीछे कोई मैकेनिज्म हो, कोई मशीन लगी हुई हो। बात समझ आई? ध्यान रखना इस बात का। चलो ये भी हो गया। उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकता, कोई डायरेक्शन तो चेंज होते जा रहा है। स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है लगभग, तभी तो तुम एक प्रॉपर एक साल के अंदर तुम मतलब उसके पूरे चक्कर में, इतने पूरे चक्कर में एक साल कंप्लीट हो जाता है उसका, वो कांस्टेंट स्पीड से ही घूम रहा है। हाँ उसके अंदर थोड़े बहुत एरर है, लेकिन अपने को उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। अर्थ का जो मोशन है वो कैसा है? कांस्टेंट स्पीड से ही है। तभी हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर टाइम में पूरा एक साल क्या कर लेते हैं, हमारा कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाला मोशन भी उसका क्या है, जो अपने एक्सिस पे हो रहा है, वो भी क्या है, कांस्टेंट स्पीड से लगभग हम लोग मान लेते हैं, वरना उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर है। कभी कभी हम लोग दो चार मिनट पहले ही अगले साल में एंटर कर जाते हैं, दो चार मिनट बचा रहता और क्या करते हैं, अगले साल में एंटर कर जाते हैं। लेकिन वो सब साइंटिस्ट लोग की बात है, अपने से कोई लेना देना है नहीं उसका, लेकिन हम उसको क्या मानेंगे, कांस्टेंट स्पीड मानेंगे उसको, ठीक है ना। चलो भाई, वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, ये स्टेटमेंट ही गलत है। पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, क्यों? वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? हाँ, इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होता जाएगा। वही तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा है कि वो कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेशन कब आएगा? जब वेलोसिटी चेंज होगी। अब वेलोसिटी में दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। भले मैग्नीट्यूड ना चेंज हो, डायरेक्शन तो चेंज होगा ना, यूसीएम हो नॉन यूसीएम हो, डायरेक्शन तो चेंज होना ही है। चलो भाई, उसके बाद हम लोग ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा, एंगुलर वेलोसिटी देखा, एंगुलर एक्सेलरेशन देखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। स्केलर वेक्टर क्या है, डायरेक्शन क्या है और उसका आपको यूनिट क्या है, सब बता दिया। फॉर्मूला क्या है वो भी बता दिया आपको, क्लियर है। ये हो गया। अब इसके बाद और छोटे छोटे डेफिनेशन है, जैसे टाइम पीरियड क्या है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, 2π/ω या फिर 2π/r/v। रट्टा मार लो, बहुत सारे चैप्टर में काम आता है, अंदाजा हो गया होगा आपको, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बोलो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन परफॉर्म बाय द पार्टिकल इन वन सेकेंड। एक सेकेंड में पार्टिकल कितने रिवोल्यूशन परफॉर्म करता है, वो उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, 1/T या फिर क्या होगा, ओमेगा अपॉन 2π या फिर क्या होगा, v/2πr। तो ये सब फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले। इसका यूनिट क्या होगा, सेकेंड।
इसका यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज होगा, या फिर क्या होगा सीपीएस साइकिल्स पर सेकंड, या फिर क्या होगा रिवोल्यूशन पर सेकंड, या फिर रिवोल्यूशन पर मिनट एक्सेट्रा, ये सब इसके यूनिट हो सकते हैं। समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। तो राइट हैंड थंब रूल भी आपको बता दिया मैंने कि राइट हैंड थंब रूल क्या है, और उससे रिलेटेड छोटे छोटे डेफिनेशन भी हम लोग ने देख लिए। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो भैया अपने को समझ में आ, इसके बाद आगे आगे क्या है, इसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स के बाद क्या पढ़ेंगे, डायनेमिक्स पढ़ेंगे, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम लोग दो चीजें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स, और दूसरा क्या पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। थ्योरेटिकल सवाल जब भी आता है इससे रिलेटेड, तो दो ही टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, या तो आपको दोनों में से किसी एक पे नोट लिखने बोलेगा, दो मार्क्स का बोलेगा कि राइट अ नोट ऑन फॉर एग्जांपल सेंट्रीपेटल फोर्स, तो दो मार्क्स का सवाल पूछा तो चार पॉइंट लिखने, या तो डिस्टिंक्शन पूछेगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन दो ही टाइप के बन सकते हैं, न्यूमेरिकल आएगा तो बेसिक तौर पे कभी कभी क्या पूछ लेता है कि भाई ये गाड़ी ऐसे टर्न कर रही है, बताओ उसको कितना सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड है, तो क्या फॉर्मूला है सेंट्रीपेटल फोर्स का, अभी बता दो एमवी स्क्वायर बाय आर या एमआर ओमेगा स्क्वायर एक्सेट्रा, ठीक है ना। चलो भाई, तो सेंट्रीपेटल फोर्स कहां लगता है या बेसिकली क्या है, बोलो। सेंट्रीपेटल फोर्स, जब कोई पार्टिकल, बेसिकली सेंट्रीपेटल फोर्स सर्कुलर मोशन की रिक्वायरमेंट है। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है, सर्कुलर मोशन की रिक्वायरमेंट है। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। सेंट्रीपेटल फोर्स बेसिकली क्या है, मोड़ने वाला फोर्स है। पार्टिकल कैसे जाना चाहता है, सीधा, उसको मोड़ेगा कौन, सेंट्रीपेटल फोर्स मोड़ेगा, उसको सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, घुमाएगा। चलो यहां तक समझ में आता है। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स बेसिकली हमारे पास क्या होता है, अ फोर्स विच एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। एक ऐसा फोर्स जो कहां लगता है, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ टू फॉर अ पार्टिकल, किसके लिए, फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। बात समझ आई, ये क्या होगा बताओ, अ फोर्स विच एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर फॉर पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। समझ आ गया, वो लिख लेंगे आप। इसके बाद ये क्या है, ये जो है नेसेसिटी ऑफ सर्कुलर मोशन, ये क्या है नेसेसिटी ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन की नेसेसिटी। अगर ये नहीं होगा सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। बात समझ आई, सर्कुलर मोशन होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, सेंट्रीपेटल फोर्स का होना जरूरी है, उसके बगैर सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता, ठीक है ना। उसके बाद आगे आगे क्या है, बोलो भाई इसे, ये क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगता है, अच्छा कौन फील करेगा, बताया था मैंने, हाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम, जो उस फ्रेम पे घूमते हुए फ्रेम पे बैठा हुआ है वो फील करेगा, ठीक है ना। तो इट अराइजेस ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट अराइजेस ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। ये कैसा फोर्स है, रियल फोर्स है। ये कैसा फोर्स है, सूडो फोर्स, क्योंकि इसका कोई ओरिजिन नहीं है हमारे पास। इसके बाद चौथे पॉइंट में क्या लिखेंगे, दोनों के फॉर्मूले लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखना। इसका फॉर्मूला होगा FCP का, F सेंट्रीपेटल फोर्स का, माइनस MV स्क्वायर बाय, अच्छा ये तो याद है MV स्क्वायर बाय R होता है, MV स्क्वायर बाय R, और साथ साथ में यहां पर होगा R कैप। बात समझ आई, और इसका फॉर्मूला क्या होगा FCF का, बोलो, प्लस MV स्क्वायर बाय R, और ये क्या होगा R कैप। बात समझ आई, तो ये चार पॉइंट भी अगर आप लिख देते हैं तो पूरे दो मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर नोट भी आ गया तो इन चार पॉइंट्स को लिख दो। बात समझ आई, तो ऐसे ये सवाल आपका हल हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है, चलो भी तो जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा बताओ, कुछ बेसिक फॉर्मूले रह गए वो बताने, एटी एसी का फॉर्मूला वगैरह वगैरह बताता हूँ उसको भी। हाँ, सबसे पहले क्या पढ़ा, सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के एग्जांपल, मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अलोंग द न्यूक्लियस, मोशन ऑफ अर्थ अलोंग द सन, या फिर मोशन ऑफ द टिप ऑफ द हैंड ऑफ अ क्लॉक। उसके बाद क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, बोलो टाइप जल्दी जल्दी, यूसीएम नॉन यूसीएम। यूसीएम क्या होगा, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, और नॉन यूसीएम, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद वेरिएबल स्पीड। बहुत अच्छे, जबरदस्त। इसके बाद क्या पढ़ा हम लोग ने, इसके बाद हम लोग ने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होता है, वो इट इज पीरियोडिक इन पाथ एंड टाइम, इसके और क्या है, इट्स एन एक्सेलरेटेड मोशन। उसके बाद क्या पढ़ा, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सबसे पहले क्या पढ़ा उसके अंदर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल ट्रेस बाय द रेडियस वेक्टर व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, उसको क्या बोलते हैं,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला थीटा टू माइनस थीटा वन, या फिर और एक फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस। बस समझ आए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर दोनों, कब स्केलर कब वेक्टर, फाइनाइट है तो स्केलर है, इनफाइनिटेसिमल तो वेक्टर है। वेक्टर तो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन कैसे देंगे, राइट हैंड थंब रूल, जिस सेंस में पार्टिकल घूम रहा है उस सेंस में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो तो आउटस्ट्रेच सम क्या करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देगा। यूनिट क्या है उसका, रेडियन। यूनिट क्या है, रेडियन। एसआई यूनिट क्या है, रेडियन, ध्यान रखना। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जो है ये दो टाइप का है, कौन कौन सा, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। फॉर्मूला बताओ, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी और इंस्टेंटेनियस डी थीटा बाय डी टी। उसके बाद हम लोग ने देखा कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन क्या होगा, जहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वहां एंगुलर वेलोसिटी, यानी इसी डायरेक्शन, इसी राइट हैंड थंब रूल से क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन देंगे। यूनिट बताओ, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, बात समझ आई। उसके बाद रेडियन पर सेकंड, उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला दो टाइप है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। अल्फा एवरेज क्या होगा, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। अल्फा इंस्टेंटेनियस क्या होगा, डी ओमेगा बाय डी टी। यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। स्केलर है, वेक्टर है, वेक्टर है। डायरेक्शन, स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसी के डायरेक्शन में, घटेगी तो अपोजिट डायरेक्शन में। समझ आया, चलो क्लियर। इसके बाद कुछ और फॉर्मूले कुछ बताने थे, रह गए अभी बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन परफॉर्म बाय द पार्टिकल इन वन सेकंड। क्लियर है ना, चलो समझ में आता है। फॉर्मूले याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट भी देख लेना उसके अच्छे से। चलो इसके बाद कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, तो वी इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा। कौन सा फॉर्म, स्केलर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म बताओ, वी बार इज इक्वल्स टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार। जो आप स्केलर फॉर्म में याद करेंगे, जैसे मैंने याद कराया है, वेक्टर फॉर्म में उसका उल्टा करके लिखना है क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में। बात समझ आई, ठीक है ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार, इस वजह से ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। तो वी इक्वल टू आर ओमेगा, वी बार इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार। उसके बाद सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, अच्छा सर्कुलर मोशन के साथ कितने एक्सेलरेशन होते हैं, चार एक्सेलरेशन होते हैं। कौन कौन सा, सेंट्रीपेटल, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल सेंट्रीपेटल का नेट और अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जब कोई पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो उसके पास एक तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है, दूसरा कौन सा है, एटी है, एक इन दोनों का नेट एक्सेलरेशन है, दोनों का टेल, तो रिजल्टेंट कहां जाएगा, अलोंग द डायगोनल, और सर्कल में घूमने की वजह से क्या है, अल्फा। बात समझ आई। और अब इसका फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी देखा, इंस्टेंटेनियस का डी ओमेगा बाय डीटी और एवरेज का डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, अल्फा हो गया। बात समझ आई। अब बचता है एसी, एसी का फॉर्मूला क्या होगा, एसी का फॉर्मूला आर ओमेगा स्क्वायर या फिर वी ओमेगा या फिर v square by r, तो r omega square v omega या फिर क्या होगा v square by r, यहां तक समझ में आता है ना। तो इस तरीके से ये इसका फॉर्मेट है। अब उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, r alpha, क्या होता है r alpha। अगर ध्यान से सुनना, अगर पार्टिकल UCM परफॉर्म कर रहा है, UCM परफॉर्म करने का मतलब क्या है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, यानी एंगुलर स्पीड भी क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर मैं आपसे अल्फा पूछूं, अल्फा होता क्या है, डी ओमेगा बाय डी टी। ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका मतलब अल्फा क्या हो जाएगा, यानी यूसीएम में एटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ध्यान रखना, यूसीएम में एटी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है ना। और इन दोनों का जो नेट एक्सेलरेशन बनता है वो क्या बनता है बताओ, नेट एक्सेलरेशन होता है एसी बार प्लस एटी बार, और नेट एक्सेलरेशन का जो आपका मैग्नीट्यूड बनेगा वो क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर। यहां तक समझ आया, ठीक है ना। चलो भाई वापस से, पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है उसके पास कितना एक्सेलरेशन है, कौन कौन सा, एसी एटी ए नेट अल्फा। एसी का फॉर्मूला आर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर और वी ओमेगा, तीन फॉर्मूला। एटी का फॉर्मूला आर अल्फा, या एटी का और एक फॉर्मूला डीवी बाय डीटी, और एक फॉर्मूला डीवी बाय डीटी। देखो रेट, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एक होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होता है वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। वापस से एक है डिस्टेंस, एक है डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। रेट ऑफ, ये डिस्टेंस है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बात समझ आई, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये है डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, मतलब नेट एक्सेलरेशन। बात समझ आई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नेट एक्सेलरेशन। समझ आया, ध्यान रखना।
इसके पास तो पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके पास बेसिकली चार टाइप के एक्सेलरेशन है। कौन कौन से है? तीन, दो को मिला के मैं चौथा भी बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे। कौन कौन सा? एक है एसी, एक है एटी, एक है दोनों का मिला के ए नेट, और एक क्या है? अल्फा। बोलना तो चाहिए दो, कैसे? एक है अल्फा और एक एसी एटी का नेट एक्सेलरेशन, तो दो ही एक्सेलरेशन है। लेकिन भी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, इस वजह से मैं बोल देता हूँ चार, नाम से चार याद रख लो, है असल में दो। समझ आई? तो एक है एसी सेंटर की तरफ, एक है एटी टेंजेंट की तरफ, और एक एसी एटी का रिजल्टेंट कहाँ है? अलोंग द डायगनल, और एक क्या है? अल्फा। अब सबके काम समझ लो, फॉर्मूला तो बता दिया। एसी का काम है डायरेक्शन चेंज करना, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का काम क्या है? डायरेक्शन चेंज करना, वो तो होगा ही हमेशा। क्यों? पार्टिकल जब सर्कल में घूमेगा तो डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज करेगा ना, तो एसी तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। एटी का काम होता है, या एटी तब आता है जब स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलता है, यानी स्पीड बदलती है। अब स्पीड कब बदलेगी? जब नॉन यूसीएम होगा। यूसीएम में तो स्पीड बदलती नहीं है। अब यूसीएम में स्पीड नहीं बदलती, इस वजह से एटी क्या आया? इस वजह से। तो एसी का काम है डायरेक्शन चेंज करना, और एटी का काम क्या है? स्पीड, स्पीड चेंज करना। स्पीड कॉन्स्टेंट है तो एटी खत्म, एटी का कोई काम नहीं है। तो जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे यूसीएम में तो एटी चला जाएगा, यहां से भी एटी चला जाएगा, तो रिजल्टेंट में बचेगा सिर्फ क्या? एसी बचेगा। क्या बचेगा? एसी। चलो भाई, आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा क्या बताया मैंने। चलो ये भी समझ में आता है, अब सबके फॉर्मूले भी आपको बता दिए, आइए आगे चलते। अब इसके बाद ये हो गया डायनेमिक्स, हम लोग ने देख लिया सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में देख लिया। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके रेडियस के अलोंग और सेंटर की तरफ लगता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन पे लगेगा लेकिन अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। वेरी गुड, यहां तक समझ में आता है। इसके बाद आगे क्या पढ़ा? रियल फोर्स, सूडो फोर्स, उसका इसके फॉर्मूले देखे। और ये नेसेसिटी ऑफ सर्कुलर मोशन, और ये क्या है? अराइजेस ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलो ये भी समझ में आ गया। अब क्या इसके आगे चलते हैं, आगे क्या है? इसके आगे है आपका एप्लीकेशंस ऑफ यूसीएम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एप्लीकेशंस ऑफ यूसीएम। तो एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, अगर आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप एक्सरसाइज के सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आपके लिए ऑस्वाल्व पब्लिकेशन लेकर के आया है क्वेश्चन बैंक। इस क्वेश्चन बैंक में आपको एग्जाम ओरिएंटेड किताबें, इसके अंदर आपको आपके टेक्स्ट बुक के कैन यू रिकॉल वाले सवाल मिल जाएंगे, आपको आपके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आप अपनी तैयारी में बिल्कुल यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आप क्वेश्चन बैंक इसका बाय करना चाहते हैं, या फिर आप उसके सैंपल पेपर्स को बाय करना चाहते हैं, तो ऑस्वाल पब्लिशर्स की वेबसाइट पे आप जाकर के उसको बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू। ये तो एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सबसे पहला एप्लीकेशन जो हमारे पास है वो क्या है? टर्निंग ऑफ अ व्हीकल। तो टर्निंग ऑफ अ व्हीकल, बुक में ये स्प्रेड आउट पार्ट है, मतलब थोड़ा पहले दिया है, थोड़ा बाद में दिया है, मैं तीनों को पहले से एक साथ करके कराता हूँ, है ना। तो टर्निंग ऑफ अ व्हीकल, टर्निंग ऑफ अ व्हीकल में हम लोग विद द हेल्प ऑफ हम लोग तीन पार्ट्स में इसको देखते हैं। सबसे पहला हिस्सा क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ ओनली फ्रिक्शन, हम लोग गाड़ी को टर्न कराएंगे विद द हेल्प ऑफ ओनली फ्रिक्शन। और सेकेंड केस में क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ओनली बैंकिंग, सिर्फ बैंकिंग के हेल्प से क्या करेंगे? हम लोग गाड़ी को टर्न कराएंगे। और तीसरे में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग विथ फ्रिक्शन एंड बैंकिंग, फ्रिक्शन प्लस बैंकिंग दोनों की हेल्प से क्या करेंगे? गाड़ी को टर्न कराएंगे। फिर इसी में आपकी बुक में दो अलग अलग क्या है डेरिवेशन है, वी मैक्सिमम और वी मिनिमम, ये आपको डिराइव करना है, ठीक है ना। तो यहीं पर आप समझ लो कि आधा चैप्टर खत्म हो जाता है इसमें, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आधा चैप्टर, उसके बाद थोड़ा बहुत एंडिंग का पार्ट। तो एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं? व्हीकल को टर्न करा रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब व्हीकल क्या करती है? टर्न करती है, तो एक आर्क में चलती है। आर्क में चलना मतलब सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन के लिए आपको क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो सर्कुलर मोशन के लिए आपको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब हम लोग क्या करेंगे? एक फ्लैट सर्कुलर रोड लेंगे। क्या लेंगे? एक फ्लैट सर्कुलर रोड। ध्यान से सुनना, हम लोग क्या ले रहे हैं? एक फ्लैट सर्कुलर रोड। कुछ इस तरीके से रोड ले लिया मैंने, वर्ड्स पे ध्यान देना है, कैसा रोड लिया मैंने?
फ्लैट सर्कुलर रोड लिए, बिल्कुल फ्लैट है और सर्कुलर है, आर्क में बैंकिंग नहीं हुई है उसकी, बात समझ आई? ये अगर वर्ड समझ में आएंगे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी होगी, समझ में आएगा कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको लेना है एक फ्लैट सर्कुलर रोड, उस पर गाड़ी क्या कर रही है हमारी, उस पर हमारी गाड़ी टर्न कर रही है, गाड़ी क्या कर रही है टर्न कर रही है, तो टर्न कर रही है मतलब आर्क में चल रही है, आर्क में चलना मतलब सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन की रिक्वायरमेंट क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स, तो यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कौन करता है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है, लेकिन फ्रिक्शन पे आप रिलाई नहीं कर सकते, क्यों, फ्रिक्शन कभी भी जीरो हो सकता है, कैसे जीरो होगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अगर तेल गिर जाए, होता रहता ना टैंकर से तेल गिर गया, बारिश हो गई, बर्फ गिर गई, तो फ्रिक्शन तो जीरो हो सकता है, जैसे ही फ्रिक्शन जीरो हो गया तो क्या होगा, आप सेफली टर्न नहीं कर पाएंगे, बात समझे, तो वो तो आगे ही कहानी है, मैं अभी समझा रहा हूं मैं कि जब कार टर्न करेगी तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कौन सा है, फ्रिक्शन, और जो सेंटर की तरफ फोर्स होता है वो किसका काम करता है, सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करता है। तो बेसिकली हमारे पास जब कार टर्न करे तो उसका ये वाला व्यू बनाते हैं हम लोग, ये वाले व्यू में हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग हमारा एक सर्फेस लेते हैं और उस सर्फेस पे हम लोग क्या करते हैं, कार बना लेते हैं, एक कार है और एक कार जो है ये इसका सेंटर है रोड का और ऐसे कार टर्न कर रही है अंदर की तरफ, ठीक है ना, इसमें ऊपर की तरफ क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लगेगा, mg, और सेंटर की तरफ जो फोर्स होगा वो कौन सा है, फ्रिक्शन, और जो सेंटर की तरफ फोर्स होता होगा इसका काम करता है सेंट्रीपेटल फोर्स, तो टर्निंग में कौन हेल्प करेगा, फ्रिक्शन हेल्प करेगा, तो सेंट्रीपेटल फोर्स किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन, सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बाय r, बात समझ आई, और फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, बात समझ आई। अब ये तो फ्लैट सरफेस पे है तो नॉर्मल रिएक्शन mg को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा बताओ, mv square by r is equals to mu, और ये क्या हो जाएगा mg, m और m क्या हो गया cancel, तो v square क्या मिलेगा, mu rg, यानी velocity क्या मिलेगी, under root of mu r, बच्चों इसको कहते हैं v maximum, v maximum मतलब क्या, इसको कहते हैं maximum safe speed, क्या कहते हैं इसको, maximum safe speed, तो ये आपकी maximum safe speed है। तो friction क्या करता है, जब आप सिर्फ friction की help से गाड़ी को turn कराते हैं, जब आप क्या करते हैं सिर्फ फ्रिक्शन की हेल्प से गाड़ी को टर्न कराते हैं तो आपको यह बताया जाता है कि आप अपनी स्पीड को जीरो से लेके अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी के बीच में रखना, यानी फ्रिक्शन आपको एक रेंज देता है कि अपनी स्पीड को क्या करना, जीरो से कम जीरो और ज्यादा से ज्यादा अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, आप इतना रख सकते हैं अपनी स्पीड को, इससे ज्यादा अगर स्पीड हुई तो ये सेफ स्पीड नहीं रहेगी, गाड़ी स्किड करना शुरू हो जाएगी, मेरे में जा रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डोमिनेट करेगा और गाड़ी फिकना शुरू हो जाएगी सेंटर से बाहर की तरफ, मेरे में जा रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो आपको फ्रिक्शन एक रेंज देता है स्पीड की कि अपनी गाड़ी को जीरो से लेके अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी तक आप रख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर म्यू का वैल्यू 0.1 है, आर का वैल्यू मान लो 1 है, जी का वैल्यू तो 10 है, तो टोटल कैलकुलेट करके कितना आएगा बताओ, 10 × 0.1 कितना आएगा 1, तो मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी हो गई 1, तो जो स्पीड की रेंज रखने बोलेगा वो कितनी बोलेगा, जीरो से वन तक का रखो, आप अपनी स्पीड कितनी रख सकते हैं, जीरो से लेके वन तक में आप उसको टर्न कराना, वन से ज्यादा स्पीड करी तो गाड़ी स्किड करेगी, लेकिन ध्यान से सुनना, वन तो बहुत कम स्पीड है, हम चाहते हैं कि मैं उसको 50 की स्पीड पे क्या करूं, 50 मीटर पर सेकेंड पे टर्न कराऊं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा, कैसे चेंज करूं, जो म्यू का वैल्यू 0.1 है उसको बढ़ा देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो ये बन रहा है उसको बढ़ा देंगे, तो म्यू बढ़ जाएगा, आर बढ़ जाएगा, तो इनका मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाएगा, उससे ये वाली वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि भाई जो मेरे को रेंज मिली है वो जीरो से वन तक ही मिली है, कि अगर मैं सेफली टर्न करना चाहता हूं तो मुझे एक की स्पीड से बढ़ानी नहीं पड़ेगी, वन की स्पीड तो बहुत कम है, मैं इसको 50 करना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, जी का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या करोगे तुम, कुछ नहीं कर सकते, म्यू चेंज कर सकते हो, आर चेंज कर सकते हो, म्यू चेंज करने का मतलब फ्रिक्शन बढ़ाना, फ्रिक्शन बढ़ाना मतलब रोड को और खुरदुरा करना, रोड को ज्यादा आप खुरदुरा करेंगे तो इसका मतलब टायर जल्दी घसेगा, वो स्पीड बढ़ाने के चक्कर में टायर जल्दी घस जाएगा, उससे नुकसान होगा, जल्दी लिए टायर चेंज कराना पड़ेगा, बात समझ आई। और जो टायर होता है ना, टायर जिस मटेरियल का बनता है उसको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल काम है, बात समझ आई। तो इस वजह से म्यू को बढ़ाना इट्स अ बैड आइडिया, अच्छा आइडिया नहीं है, बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ। तो म्यू को, म्यू को कुछ नहीं कर सकते, म्यू को छोड़ दो, ठीक है ना, मतलब ठीक ठाक लेवल पे बढ़ाओ, ज्यादा मत बढ़ा दो, स्पीड बढ़ाने के चक्कर में क्या करेंगे, दूसरी मुसीबत आ जाएगी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दूसरा तरीका क्या है, आर बढ़ा दो, रेडियस बढ़ा दो। अब रेडियस बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, कैसे मुश्किल काम है, जैसे यहाँ पर अगर आप मुंबई में हम रहते हैं, मुंबई के सबब में रहते हैं, इतनी पास पास तो बिल्डिंग है,
तो कहीं पर अगर टर्निंग है तो अगर मैं चाहता हूँ वो टर्निंग का रेडियस बढ़ा हो तो क्या करना पड़ेगा, हाँ बिल्डिंगों को तोड़ के रोड को बड़ा करना पड़ेगा। तो फिर ये हॉकर्स का मीटिंग है, समझ आ रही है क्या, रोड अगर बड़ा कर देंगे तो हॉकर्स का मीटिंग, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब रोड बड़ा करने के चक्कर में क्या करो, पूरा शहर रिनोवेट करवाना पड़ जाएगा हमको, बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ये और महंगा पड़ जाएगा अपने को, तो ये भी महंगा काम है, समझ आया। इसका मतलब हम बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। अगर मैं स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, म्यू बढ़ाना पड़ेगा, म्यू बढ़ाने से गड़बड़ है, आर को बढ़ाना मतलब रेडियस बढ़ाना मतलब क्या है, बहुत ज्यादा खर्चीला काम है, तो भेजे में जा रहा है ठीक। और एक प्रॉब्लम इसके साथ में ये है कि अगर रस्ते पे तेल गिर जाए, बारिश हो जाए, बर्फ गिर जाए, तो म्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो म्यू जैसे ही जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी ना, तो जीरो आर जी क्या आएगा आंसर, जीरो। मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब आपको टर्न जीरो से करना पड़ेगा, मतलब टर्न ही नहीं कर सकते। इसका मतलब फ्रिक्शन पे पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते आप, तो आपको कोई दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी कि भाई फ्रिक्शन तो है, चलो फ्रिक्शन की तो हेल्प ले लेंगे हम लोग, लेकिन क्या कोई दूसरा भी तरीका है, या कोई दूसरा भी फोर्स है जो क्या करे, सेंटर की तरफ लगे और क्या करे, हम लोगों को सेंट्रिपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, भेजे में जा रहा है। तो आइए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, तो अब तक तो हम लोगों ने गाड़ी को टर्न कराया, लेकिन किसकी हेल्प से टर्न कराया, फ्रिक्शन की हेल्प से, लेकिन फ्रिक्शन पे पूरी तरीके से रिलाय नहीं कर सकते। फ्रिक्शन में एक खास बात यह है कि फ्रिक्शन आपको एक रेंज देता है स्पीड की, आपको यहां से लेके जीरो से लेके मैक्सिमम इतनी स्पीड के बीच में रखना अपनी स्पीड, बात समझ आई। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा तरीका देखेंगे। प्रॉब्लम समझ आई, प्रॉब्लम क्या है, स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते और फ्रिक्शन पे पूरी तरीके से रिलाय नहीं कर सकते, फ्रिक्शन कभी भी जीरो हो सकता है, बात समझ आई। आइए अब उसके बाद सेकेंड पार्ट वो है आपका, फ्रिक्शन के बाद अब है आपका बैंकिंग। अब हम लोग बैंकिंग करेंगे। बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग हम लोग, बैंकिंग मतलब होता है बेसिकली हम लोग क्या करेंगे ना, हमारा जो रोड है उसको हम लोग एक साइड से ऐसे उठा देंगे, तो उससे क्या हो जाएगी उसकी बैंकिंग, यही होती है बैंकिंग। तो बैंकिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड ओवर इट्स इनर एज। मैं पहले आपको कंपेरिजन करके बताता हूँ। पहले हमारा रोड ऐसे था, यहाँ पर हमारी गाड़ी थी, ठीक है ना, ये कौन सा है आउटर एज है, और ये कौन सा एज है इनर एज है, और इस सेंटर के अकाउंट क्या कर रही थी, गाड़ी घूम रही थी, टर्न कर रही थी। अब मैं क्या करता हूँ, इस आउटर एज को एक साइड से उठा देता हूँ, इनर एज को नहीं उठाया, आउटर एज को उठा दिया। कैसे उठा दिया, हमने सीमेंट भर दिया वहां पर, बात समझ आई, क्या कर दिया, सीमेंट भर दिया, बात समझ आई, सीमेंट भर दिया या कॉन्क्रीट भर दिया, और एक साइड से क्या कर दिया, स्लोप बना दिया, आसान भाषा में क्या बना दिया वहां पर, स्लोप। तो उसका आउटर एज उठ गया, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग दी आउटर एज ऑफ द रोड ओवर इट्स इनर एज, इनर एज के कंपैरिजन में आउटर एज को रेस करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, बैंकिंग। और जिस एंगल से उसको रेस किया उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग, भेजे में गया, ये हो गया एंगल ऑफ बैंकिंग। अब यहां पर जो हमारी कार है वो भी ऐसे थी, अब मैंने इसको उठा दिया तो कार भी तो इधर आ गई ना, तो कार इधर आ गई हमारी, सबको समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्या, अब वही है हमारा सेंटर, तो वही अब भी है ना, यही हमारा आगे जाकर के सेंटर है, और इसी के अराउंड क्या करना है, गाड़ी को घुमाना है। इससे क्या फायदा होगा वो समझो, पहले नॉर्मल रिएक्शन ऐसे था, नीचे एमजी लग रहा था और इधर पे क्या लग रहा था, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। कब लगेगा, जब दो बॉडीज क्या होंगी, कॉन्टैक्ट में आएंगी और स्लाइडिंग टेंडेंसी होगी वहां पर, बस समझ आई। ऐसा है, अभी मैं फ्रिक्शन को कंसिडर कर रहा हूँ क्या, नहीं, मैं क्या करा रहा हूँ, गाड़ी को टर्न करा रहा हूँ ओनली विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग, सिर्फ बैंकिंग की हेल्प से। अब बताओ नॉर्मल रिएक्शन, जब गाड़ी सीधी थी तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे था, गाड़ी टेढ़ी कर दी मैंने तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, टेढ़ा, नॉर्मल रिएक्शन भी ऐसे हो गया, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। एमजी तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता है, ये लगेगा एमजी, समझ आया। अब टेढ़ा वेक्टर देखते ही पागल हो जाओ, है ना, क्या करो, थोड़ा यूं, यानी थोड़ा क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ये क्या होगी, वर्टिकल लाइन, ये थीटा है तो ये भी क्या बनता है, थीटा, ये क्या बनेगा, एन कॉस थीटा, और ये क्या बनेगा, एन साइन थीटा। तो सेंटर की तरफ और एक फोर्स आ गया, एन साइन थीटा। फ्रिक्शन नहीं भी है तब भी हमारे पास सेंटर की तरफ एक फोर्स आ गया, तो किसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा, सेंट्रिपेटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, भेजे में गया। तो बस हमने इतना स्मार्ट तरीका लिया, हमने बस क्या कर दिया, गाड़ी को सीधा करने के बजाय रोड को टेढ़ा कर दिया। रोड को टेढ़ा करने से क्या हो जाता है, नॉर्मल रिएक्शन टेढ़ा हो जाता है, और जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन टेढ़ा हो जाता है, उसका एक कंपोनेंट आ जाता है, क्या करता है वो, सेंटर की तरफ एक्ट करना शुरू कर देता है, बात समझ आई। इसी वजह से वो बाइक रेसर्स जो होते हैं जैसे ही टर्न आती है वो अपने आप को टेढ़ा कर लेते हैं। टेढ़ा करने से क्या होगा, सीधा चल रहे थे तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे था, टेढ़ा कर लेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन टेढ़ा हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका कंपोनेंट आ जाएगा जो क्या करेगा,
सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, तो सेंट्रीपेटल फोर्स को की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। बात समझ आई? तो ये रीजन की वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोड को एक साइड पे उठा देते हैं। अब बताओ, अब सेंटर की तरफ कौन एक्ट कर रहा है? एन साइन थीटा। जो सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, जितने फोर्सेस, वो सब के सब किसका काम करेंगे? सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करेंगे। तो यहां पर तो एक ही है, एन साइन थीटा किसका काम करेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करेगा। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एम वी स्क्वायर बाय आर। और एन कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? एम जी। तो एन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? एम जी। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो एन और एन कैंसिल जाएगा। साइन थीटा पे कॉस थीटा क्या होगा? टेन थीटा। एम और एम क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये क्या बचेगा? वी स्क्वायर बाय आर जी। यानी वी को सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट ऑफ क्या होगा? आर जी टेन थीटा। ये फॉर्मूला आया। अब ये तो हो गया, ये तो स्पीड का फॉर्मूला आया। हमने गाड़ी को टर्न कराया ओनली विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग, हमने फ्रिक्शन कंसिडर नहीं किया अभी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि बैंकिंग आपको स्पीड की रेंज नहीं देता है। बैंकिंग बोलता है कि अगर आपको गाड़ी टर्न करानी है मेरी हेल्प से, यानी नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट की हेल्प से, तो आपको एक ही कांस्टेंट स्पीड पे चलाना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आपको इसी स्पीड पे गाड़ी को टर्न करते टाइम गाड़ी की स्पीड इतनी रखनी पड़ेगी, इससे कम या ज्यादा किए तो गड़बड़ हो जाएगी, इससे कम किए तो गाड़ी नीचे फिसलना शुरू हो जाएगी, और इससे ज्यादा किए तो बाहर फेंकना शुरू हो जाएगी। प्रॉब्लम समझ आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि बैंकिंग ये कहता है कि आपको अगर क्या करना है, अगर आपको बैंकिंग की हेल्प से टर्न करानी है, मेरी हेल्प से टर्न करनी है गाड़ी, तो क्या करना पड़ेगा? इतनी कांस्टेंट स्पीड पर चलाना पड़ेगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? हो सकता है टर्न बहुत बड़ा हो सकता है टर्न कोई ब्रिज पे हो सकता है ना, कोई फ्लाईओवर पे टर्न हो। अब अगर आप बहुत बड़े टर्न पे क्या करेंगे, सिर्फ बैंकिंग की हेल्प से अगर आप टर्न लेने की कोशिश करेंगे, तो उससे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अगर अपने को स्पीड कितनी रखनी है, इसको सॉल्व करके आए मान लो 50, तो पूरी टर्निंग में स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी? 50। रास्ते में गाड़ी खराब होगी तो स्पीड 50 से कम होती जाएगी, और जैसी कम होगी तो गाड़ी क्या करेगी? नीचे फिसलना शुरू हो जाएगी। अब ब्रिज तो एक हाइट पे होता है ना, वो एक एंड तोड़ के क्या करेगी? गाड़ी नीचे गिर जाएगी। और स्पीड अगर ज्यादा कर दी तो दूसरे साइड को तोड़ के तब भी नीचे, तो डेंजरस है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस। बात समझ आई? अब तुम अपने दिमाग से बताओ कि हमको क्या करना चाहिए। दोनों की हेल्प लेना चाहिए, फ्रिक्शन से रेंज आ जाएगी और बैंकिंग धोखा नहीं देगा। क्यों? नॉर्मल रिएक्शन थोड़ी जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन तो कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि जब भी बॉडी कॉन्टैक्ट में होगी तो नॉर्मल रिएक्शन को तो रहना ही है। गाड़ी हवा में थोड़ी उड़ना शुरू हो जाएगी। 200 की स्पीड पे भी अगर आप गाड़ी चलाते हैं भारी भरकम, गाड़ी हवा में नहीं उड़ती। हल्की गाड़ी आप नैनो जैसी गाड़ी चलाएंगे तो 100 की स्पीड पे भी हवा में उड़ना शुरू हो जाती है, ऐसे करना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। चलो तो नॉर्मल रिएक्शन तो जाना नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन अगर नहीं जाएगा तो फ्रिक्शन अगर गया भी, नॉर्मल रिएक्शन तो है ना क्या करने के लिए? सेंट्रीपेटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। बात समझ आई? तो ये प्रॉब्लम समझ आई, सॉल्यूशन समझ आया कि सॉल्यूशन क्या है। अब हम दोनों की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे? फ्रिक्शन की भी और बैंकिंग की भी। समझ आया? ऐसा है। चलो यहां तक बात समझ में आती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सी वाले पार्ट में हम लोग फ्रिक्शन प्लस बैंकिंग दोनों की हेल्प से टर्न कराएंगे। यही सवाल 2016 में पीएमटी में पूछा गया, नीट में पूछा गया, और इसी के ऊपर आपको डेरिवेशंस आपके बोर्ड में भी मिलेंगे। तो उसमें दो फॉर्मूलेज हैं। हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग दोनों कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? बैंकिंग भी, फ्रिक्शन भी। अब फ्रिक्शन से क्या मिलेगा? एक रेंज मिल जाएगी। क्या रेंज मिलेगी? कि भाई कम से कम इतनी रखना, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी रखना। तो अपने को दो स्पीड निकालनी है। कौन कौन सी स्पीड? मिनिमम और मैक्सिमम, वो निकालते हैं। एक डेरिवेशन बताता हूँ, दूसरा भी करा ही दूंगा, वैसे आना चाहिए आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वी मैक्सिमम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? वी मैक्सिमम। मिनिमम भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम निकाल के दे देता हूं। वी मिनिमम, वी मिनिमम में क्या करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस डेरिवेशन में इसका डायग्राम है। अगर आपने प्रॉपरली एफबीडी बना लिया तो आप ऐसे कर लेंगे डेरिवेशन। एफबीडी बनाना चाहिए बस, बाकी आप कर लेंगे, बड़ी चीज नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक बैंक रोड लेंगे, लिया बैंक रोड। ये वाला एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ बैंकिंग बोलेंगे। यहां पर मैं गाड़ी को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बस समझ आई? नॉर्मल रिएक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा। नीचे क्या लगेगा? एम जी लगेगा। यहां तक सबको क्लियर है? क्या मैं इसके दो कंपोनेंट कर दूं? बिल्कुल कर देते हैं। ये थीटा है तो ये भी क्या बनता है? थीटा। ये क्या बनेगा? एन कॉस थीटा। और ये क्या बनेगा? एन साइन थीटा। ये हमारा यहाँ पर कहीं सेंटर होगा, इसके अबाउट गाड़ी क्या करेगी? रोटेट करेगी। तो सेंटर की तरफ अब तक कौन सा फोर्स है? एन साइन थीटा। यहां तक क्लियर? अब कहानी सुनो ध्यान से। अब जो है मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई मैं कौन सी स्पीड पे चला रहा हूं उसको।
मतलब इससे कम किया तो क्या होगा, वो नीचे फिसलना शुरू हो जाएगा। जब वो नीचे फिसलना शुरू होगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, उल्टा ऊपर लगेगा। बात समझ आई, फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऐसे सोचना है, भूल जाओगे फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ऑब्जेक्ट किधर जाता, नीचे जाता, तो उल्टे डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा दो। बात समझ आई, तो अब इससे कम स्पीड अगर हो गई, इससे कम हो गई तो कहाँ जाएगा, नीचे, तो ये फ्रिक्शन इधर लगेगा। यहां तक समझ आता है। अब फ्रिक्शन को रिजोल्व करना है, उसका एक कंपोनेंट ये और दूसरा कंपोनेंट ये। बात समझ आई, अब उससे क्या होगा, देखो ये ऐसे 90 है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बनेगा, थीटा। तो ये वाला क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा, और ऊपर वाला क्या बनेगा, एफ साइन थीटा। एफबीडी बन गया, बस अब हो गया डेरिवेशन, यही करना। समझ आया, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये अपने को समझ आया। एक बार फिर से मैं आप लोगों को इसका एफबीडी बताता हूँ कैसे बनाया मैंने। मैं क्या निकाल रहा हूँ बच्चों, वी मिनिमम। वी मिनिमम में सबसे पहला क्या बनाना है, एफबीडी बनाना है। एफबीडी कैसे बनेगा बोलो फटाफट से। सबसे पहले क्या बनाओ, बैंक्ड रोड बनाओ। बैंक्ड रोड बना दिया हम लोग ने, इंक्लाइन प्लेन जैसे। और यहाँ पर क्या हमारा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लग रहा है बताओ, एम जी। बात समझ आई। उसके बाद इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ईजी। चलो इसके बाद क्या, फ्रिक्शन, ये नीचे जाने की टेंडेंसी है इसकी, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर। तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, तो फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पर, ये लगेगा फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट करो, एक ये और एक ये, दो कंपोनेंट हो गए फ्रिक्शन के। अब ये थीटा है तो ये क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा, और ये क्या बनेगा, थीटा, तो ये क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा, और ऊपर क्या बनेगा, एफ साइन थीटा। अब बस देख लो कौन किसको बैलेंस कर रहा है, ये हमारा रोड है और इसके अलावा क्या कर रहा है, ये ऐसे टर्न करने वाली गाड़ी, बस ये हमारा क्या है, सेंटर है। सेंटर की तरफ कितने फोर्स है, दो। अब बोलेंगे एक ही दिख रहा है, अरे लेकिन उसको कम करेगा ना उसके इफेक्ट को, तो सेंटर की तरफ कौन सा है, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, और जो सेंटर की तरफ एक्ट करेगा वो सेंट्रिपेटल फोर्स। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे हमारा जो डेरिवेशन है उसमें हम लोग सबसे पहले इसके फोर्सेस को लिखेंगे। तो सेंट्रिपेटल फोर्स यानी क्या होगा, एमवी स्क्वायर बाय आर, वो किसके बराबर होगा, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा। बात समझ आई। उसके बाद दूसरा फोर्स देखो, एम जी को कौन बैलेंस कर रहा है, एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। तो एम जी को बैलेंस कर रहा है एन कॉस थीटा प्लस कौन कर रहा है, एफ साइन थीटा। दोनों को डिवाइड कर दो, स्टेप्स याद रखने हैं इसके। एम और एम क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचेगा, वी स्क्वायर बाय आर जी। यहाँ पर क्या बचेगा देखो, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों न्यूमरेटर, इसके बाद का स्टेप क्या है वो आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। इसके बाद का स्टेप होगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एन कॉस थीटा। आप बोलेंगे क्यों ऐसा करना है, तो उसका आंसर ये है कि जिसने सबसे पहली बार उसको सॉल्व किया तो उसने कई सारे स्टेप्स लिए होंगे, उसके बाद उसको समझ में आया कि एन कॉस थीटा से डिवाइड करने पे आंसर इजीली आ जाता है, ये इसका आंसर है। बस समझ आई। तो इस वजह से आपको क्या करना है, आपको याद करना है, अरे किसी ने कोई चीज डिराइव करके रख ली, आपको बता दिया ऐसे ऐसे होता है, तो आपको क्यों वापस से दिमाग खोड़ी करनी है, उसको याद करो स्टेप को, है ना। चलो भाई, तो याद कर लो, अब एन कॉस थीटा से डिवाइड करना है, तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एन कॉस थीटा, एक ही साइड पे करना बस। ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर जी। ये क्या हो जाएगा बताओ, एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, बोलो क्या होगा ये, एन कॉस थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा डिवाइड बाय क्या, ये एन कॉस थीटा। एन और एन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, cos थीटा कैंसिल हो गया, एन cos थीटा कैंसिल हो गया, sin थीटा बाय cos थीटा क्या होगा, tan थीटा माइनस फ्रिक्शन बाय, अब फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, तो फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, म्यू, और ये तो गया, डिवाइड बाय क्या होगा, बोलो, ये खत्म, 1 प्लस f बाय n क्या होता है, वो तो म्यू होता है, sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। ये क्या हो गया, v स्क्वायर बाय rg, देयरफॉर कौन सी वेलोसिटी निकालते हैं, v मिनिमम हो जाएगा अंडर रूट ऑफ rg, उधर जाएगा rg tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। बात समझ आई। तो इस तरीके से ये हमारा वी मिनिमम आ गया, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो वी मैक्सिमम में क्या होगा बताओ, इसकी किधर जाने की टेंडेंसी होगी, बाहर, वी मैक्सिमम, उससे ज्यादा स्पीड गया तो बाहर जाएगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अंदर। बात समझ आई। तो नीचे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा और फिर ये फॉर्मूला बनेगा। आपको एंट्रेंस में ये चीज बताई थी मैंने कि इस फॉर्मूले को याद करने का एक बहुत आसान तरीका है, क्या है, म्यू को क्या मान लो, टेन फाइव मान लो, तो फिर वो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है, टेन थीटा माइनस टेन फाइव अपॉन वन प्लस टेन फाइव इंटू टेन थीटा। तो फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा माइनस फाइव, ठीक है ना, वरना डायरेक्ट भी याद कर लो तो ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैक्सिमम वाला कैसे करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे बोलो,
डायग्राम बनाएंगे, एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी में सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्लाइन प्लेन बनाएंगे। इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन बना दिया, ये एंगल क्या है थीटा है, यहाँ पर क्या है नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लग रहा होगा mg, नॉर्मल रिएक्शन को तो पहले ही कर दो यहाँ तक डायग्राम में, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होगा n cos थीटा और ये क्या होगा n sin थीटा। यहाँ पर हमारा सेंटर है, उसके अलॉन्ग गाड़ी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अब क्या करना है बताओ, अब अपने को फ्रिक्शन लगा रहे हैं, अब इससे v मैक्सिमम निकाल रहे हैं हम लोग, इससे ज्यादा स्पीड की है तो गाड़ी बाहर की तरफ जाएगी तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। क्या क्या फ्रिक्शन, ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा z शेप से, अगर ये थीटा तो ये क्या बनेगा f cos थीटा, और यहाँ पर क्या है f sin थीटा। बस समझे, तो इसका FBD बनाना तो और इजी है ना। अब बताओ फटाफट से सेंटर की तरफ कौन कौन लग रहा है, f sin थीटा, n sin थीटा प्लस f cos थीटा, और इसको mg को कौन बैलेंस कर रहा है, n cos थीटा माइनस f sin थीटा mg को बैलेंस कर रहा है। भेजे में गया, चलो भैया बताओ कैसे इक्वेशन लिखूंगा, बोलो मैं। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होगा, mv स्क्वायर बाय r, किसके बराबर होगा बताओ, n sin थीटा प्लस f cos थीटा, और ये n cos थीटा, ये mg को बैलेंस कौन कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है n cos थीटा माइनस f sin थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपको पता है क्या होगा, दोनों को डिवाइड करेंगे, m और m क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, फिर n cos थीटा से डिवाइड करेंगे, उसके बाद फाइनल एक्सप्रेशन जो बनेगा वो आप कर सकते हैं खुद से, v maxim is under root of rg mu plus tan theta upon 1 minus mu tan theta। ये पूछा गया था मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला नीट में 2016 के आसपास में पूछा गया, क्या समझ आई, बस फॉर्मूले भी कभी कभी पूछ लेता है, कई मरता बैठ, हर साल तो फॉर्मूले आ ही रहे हैं, कुछ ना कुछ पूछ ही लेता है फॉर्मूले, यहाँ तक क्लियर है ठीक है ना, सी टी में भी फॉर्मूले आते हैं। चलो भाई, तो ये आपको यहाँ तक तो मैंने बता दिया कि हमने क्या कर दिया, व्हीकल टू टर्न कराया विद द हेल्प ऑफ ओनली फ्रिक्शन, विद द हेल्प ऑफ ओनली बैंकिंग, उसके विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन प्लस बैंकिंग। फॉर्मूले देख लेते हैं सबके, अगर से फ्रिक्शन की हेल्प से हम लोग ने टर्न कराया, फ्रिक्शन के हेल्प से जब टर्न कराते हैं तो वी मैक्सिमम अपने को क्या मिलता है, अंडर रूट ऑफ म्यू आर, वी मैक्सिमम है ध्यान रखना। बैंकिंग के हेल्प से टर्न कराया तो वी क्या मिला, ये वी मैक्सिमम है क्या, नहीं वो तो कांस्टेंट स्पीड है, कितनी कांस्टेंट स्पीड से चलाना पड़ेगा आपको। इसमें क्या रेंज मिली थी ना वी की, क्या रेंज मिली थी, जीरो से लेके अंडर रूट ऑफ म्यू आर, इसमें तो कोई रेंज मिलती नहीं, क्या बनता है आर जी टेन थीटा, स्क्वायर करके यहाँ से टेन थीटा निकाल सकते हैं ना, टेन थीटा क्या होगा बताओ, वी स्क्वायर बाय आर जी, एक फॉर्मूला, ये एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला। कभी कभी आपको पूछता है सवाल में कि इतने इतने रोड पे आप बैंक कर दिया गया है, ये स्पीड से चल रहा है, ये रेडियस, ये जी है, तो बैंकिंग एंगल बताओ, तो ये फॉर्मूला लगेगा उसके अंदर, बात समझ आई, तो ये फॉर्मूला लगाना है। इसके बाद या फिर कभी बोलेगा कि कोई प्लेन टर्न कर रहा है, प्लेन टर्न वो भी तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो अपने आपको टिल्ट करेगा, तो टिल्ट कितने एंगल पे करना पड़ेगा उसको, जैसे बाइकर को टिल्ट करना पड़ा तो कितने एंगल पे करेगा, सेम फॉर्मूला। कभी कभी बोलेगा सवाल में कि एक डबल डेकर बस है, उसमें बहुत लंबा सा आदमी सेकंड फ्लोर पे खड़ा हुआ है, यानी फर्स्ट फ्लोर पे ग्राउंड और प्लस फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा है, तो अगर वो गाड़ी टर्न करेगी तो उसको अपने आप को कितना एंगल पे बेंड करना पड़ेगा, समझ आया, तो उसका भी फॉर्मूला यही, सबका फॉर्मूला यही, ठीक है ना। चलो भाई, तो इत्तेफाक से सबका फॉर्मूला सेम है, समझ आया, कोइंसिडेंस है, ठीक है। और इसका और एक फॉर्मूला ये बनता है कि जो हमारा यहाँ पर ये बैंक रोड था, ये एच है और इसको क्या बोलते हैं बी, टेन थीटा क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, उसका फॉर्मूला एक एच अपॉन बी भी होता है, कभी भी क्वेश्चंस में काम आता है, बस समझ आई, तो भी ध्यान रखना। उसके बाद फ्रिक्शन प्लस बैंकिंग अगर दोनों करेंगे तब क्या होगा बोलो, तब अपने को स्पीड की एक रेंज मिलेगी, क्या रेंज मिलेगी, वी मिनिमम से क्या रखना है, वी मैक्सिमम रखना है, बस समझ आई, ठीक है ना। वी मिनिमम कितना है बताओ, अंडर रूट ऑफ आर जी, बोलो ये क्या है, टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन वन प्लस म्यू टेन थीटा, बस समझ आई। और मैक्सिमम स्पीड क्या है बताओ, अंडर रूट ऑफ आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा, ये बात समझ आई, तो ये आपको एक रेंज मिल जाती है। अगर फ्रिक्शन जीरो भी हो जाए, फ्रिक्शन जीरो कैसे होगा, म्यू का वैल्यू जीरो कर दो, तेल गिर गया, फ्रिक्शन जीरो हो गया, तब भी कोई स्पीड रहेगी नहीं रहेगी आपके, बिल्कुल रहेगी, जिसे आप सेफली टर्न कर सकते हैं। पहले क्या हो रहा था, म्यू अगर जीरो हो जाता तो सेफ स्पीड क्या हो जाती, जीरो हो जाती। अब अगर आप म्यू को जीरो भी कर देंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, वन प्लस जीरो इंटू टेन थीटा, ये पूरा जीरो, ये क्या हो जाएगा जीरो, वन प्लस जीरो वन, ये भी चला गया, तो फॉर्मूला क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। तब भी आपके पास एक स्पीड होगी, इसको बोलते ऑप्टिमम स्पीड, तब भी आपके पास एक स्पीड होगी जो कि क्या होगी, जिसे आप सेफली टर्न कर सकते हैं अगर फ्रिक्शन जीरो भी हो जाए तो, लीजिए मैं गया, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये हेल्प करता है फ्रिक्शन प्लस बैंकिंग, यहाँ तक सबको क्लियर है,
कोई दिक्कत नहीं ना, चलो ये भी समझ में आता है। इसके बाद आगे, इसके बाद अभी हम लोग देखते हैं वेल ऑफ डेथ। क्या देखते हैं? वेल ऑफ डेथ। तो वेल ऑफ डेथ, वेल ऑफ डेथ का क्या फंडा है? तो वेल ऑफ डेथ में हमारे पास ऐसे तो एक आइडियल सिलेंडर है, यहाँ पर हमारे पास आइडियल सिलेंडर होगा हमारे पास, ठीक है ना, इस तरीके से एक आइडियल फॉर एग्जांपल सिलेंडर है। तो हमारे पास एक आइडियल सिलेंडर है, उस आइडियल सिलेंडर में हम लोग ने क्या कर दिया, हम लोग ने बेसिकली एक मोटरसाइकिलिस्ट को क्या करा रहे हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? मोटरसाइकिलिस्ट को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करा रहे हैं। तो एक मोटरसाइकिलिस्ट क्या कर रहा है, बिल्कुल ऐसा सिलेंडर नहीं होता है, बात समझ रहे हो, थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड होता है ताकि नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट रहे और गिरने से वो बचे, लेकिन ये तो आइडियल केस है, बात समझ आई, ऐसा है। ऐसे हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक। अब इसके बाद क्या, आगे चलते हैं, आगे क्या है, यहां पर जो है, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन है, नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन क्या करेगा, उसको रोकेगा, बात समझ आई। तो कौन किसको बैलेंस कर रहा है बताओ फटाफट से, नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली किसका काम कर रहा है, सेंटर की तरफ सेंट्रीपेटल फोर्स, ये सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करेगा, यानी mv स्क्वायर बाय r। और फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, बात समझ आई, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन क्या है बताओ, ये mv स्क्वायर बाय r, वस्तु क्या होगा, mg, m और m क्या हो गया, कैंसिल, तो म्यू और ये v स्क्वायर बाय r और ये क्या हो जाएगा, g। तो स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी बताओ, v स्क्वायर इज अंडर, ये हो जाएगा rg अपॉन म्यू, यानी v आ जाएगा अंडर रूट ऑफ rg बाय म्यू। कम से कम इतनी स्पीड रखनी पड़ेगी, v मिनिमम होती है, इससे कम स्पीड किया तो नीचे गिर जाएगा, मैं समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। और उसके बाद अब तक दो मर्तबा आपको सवाल पूछे जा चुके हैं वेल ऑफ डेथ पे, कि आपको इतनी इतना रेडियस है, इतना म्यू है, इतना जी है, और आपको बोला कितनी मिनिमम स्पीड रखनी पड़ेगी वेल ऑफ डेथ में उसको। तो ये फॉर्मूला दो मर्तबा बोर्ड एग्जाम में सवाल आया इसके ऊपर, बात समझ रही। तो फॉर्मूला बस याद करना था, क्या है वो, अंडर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो ये वेल ऑफ डेथ हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद पढ़ना अपने को कॉनिकल पेंडुलम, क्या पढ़ना है, कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम क्या है, कॉनिकल पेंडुलम बेसिकली क्या है, तो कॉनिकल पेंडुलम में कुछ नहीं है, बेसिकली एक सिंपल पेंडुलम होता है जिसके बॉब को हम लोग क्या करते हैं, ऑसिलेट कराने के बजाय क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराते हैं, उसी को कॉनिकल पेंडुलम कहते हैं। तो कॉनिकल पेंडुलम कोई नई चीज नहीं है। तो कॉनिकल पेंडुलम जो हमारे पास है, उसमें हमारे पास होता क्या है, हमारे पास एक रिजिड एंड है, और उस रिजिड एंड पे हम लोग ने क्या कर दिया, उस रिजिड एंड पे हम लोग ने एक यहाँ पर बॉब लिया, और उस बॉब को हम लोग क्या करेंगे, उस बॉब को हम लोग ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराएंगे। बॉब क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, ये बॉब क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो बॉब सर्कुलर मोशन क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, आइए समझते हैं। इसके बाद ये रेडियस क्या है हमारा, आर है, इसको क्या बोलेंगे, लेंथ एल बोलेंगे, और ये हाइट को क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे, ठीक है ना। अपने को यहाँ पर दो तीन चीजें निकालनी है, जैसे अपने को यहाँ पर इसका टेंशन निकालना है, ठीक है ना, और कभी कभी स्पीड भी निकालनी है कि रस्सी में कितना टेंशन है। तो अब बॉब यहाँ पर है फॉर एग्जांपल, अगर बॉब यहाँ पर है तो बेसिकली इस पे नीचे क्या लगेगा, एम जी लगेगा, इधर पे क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। और ये टेंशन के दो कंपोनेंट हम लोग कर सकते हैं, है ना, एक देखो ये एंगल थीटा है मान लिया मैंने, तो ये वाला एंगल भी क्या बनेगा, थीटा, वर्टिकल, देखो ना जेड शेप बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, तो ये क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा टी कॉस थीटा, और यहाँ पर सेंटर की तरफ क्या आएगा, टी साइन थीटा। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स होता है वो किसका काम करता है, सेंट्रीपेटल फोर्स, तो टी साइन थीटा किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स का। तो टी साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पर क्या करना है मुझे, टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है बताओ, एम जी को, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, टी और टी कैंसिल, क्या बचेगा, टेन थीटा किसके बराबर बचेगा, आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा, जी। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से टेन थीटा निकाल लो, tan theta क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट क्या है, r है, एडजेसेंट क्या है, h है, तो r ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा, g, r और r क्या होगा, कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर क्या मिलेगा, g / h, यानी ओमेगा क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ g / h, तो ओमेगा मिलेगा अंडर रूट ऑफ g / h। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई बाय ओमेगा उल्टा करेंगे तो फिर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ h / g। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, यहां पर cos थीटा निकालो ट्रायंगल में, cos थीटा क्या होता है बोलो, एडजेसेंट अपॉन, बोलो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा का एडजेसेंट कौन है, एच है, हाइपोटेन्यूज कौन है, एल है, तो ये क्या होगा, एच अपॉन एल, तो एच क्या मिलेगा, एल कॉस थीटा, तो एच की जगह क्या लिखा जा सकता है,
अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। तो ये इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। क्या है इसका फॉर्मूला? टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड का इसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या कर दिया? डिराइव कर लिया। सबको क्लियर है? ये क्या था? ये टेंशन था जो पहले खत्म हो गया। ये क्या है? ये टाइम पीरियड है। बात समझ रहे? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्या निकाल लिया हम लोग ने इसका? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2√L cos θ डिवाइड बाई। तो उसको बुक में दो अलग अलग तरीके से, एक बार इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व किया और एक बार क्या कर दिया हम बैठ के सॉल्व किया। क्या करने का है? कोई एक तरीके से सॉल्व कर लो बस, ठीक है ना। तो इस तरीके से निकालेंगे। समझ आ रहा है? सब कुछ जितने भी डेरिवेशन कर रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? FBD अगर आपको बनाने आ गया, ऐसे कर लेंगे आप डेरिवेशन। बस देखना है सेंटर की तरफ फोर्स कौन सा है, उसको सेंट्रीपेटल फोर्स से इक्वेट करो, mg को कौन बैलेंस कर रहा है, खटाखट डेरिवेशन हो जाएगा। बात समझ आई? 7 मार्क्स का चैप्टर है ये, 7 मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो भाई, तो ये आपको समझा दिया मैंने ऐसे ऐसे इसको डिराइव करना। तो कॉनिकल पेंडुलम का स्पीड चाहिए तो आप स्पीड भी डिराइव कर सकते हैं, v = r ω से, ठीक है ना। चलो भाई, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कॉनिकल पेंडुलम के बाद अपने को क्या पढ़ना है? इसमें टर्निंग ऑफ व्हीकल हो गया, वेल ऑफ डेथ हो गया। कॉनिकल पेंडुलम के बाद हम लोगों को इसमें पढ़ना है VCM। क्या पढ़ना है अभी अपने को? VCM। कुछ छूटा तो नहीं ना? नहीं, छूटा नहीं, ठीक है, ओके। क्या पढ़ा है हम लोग इसके बाद? हम लोग पढ़ेंगे VCM, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होगा बताओ? अगर कोई पार्टिकल क्या करेंगे हम लोग, रस्सी से बांध देंगे एक एंड पे और क्या करेंगे उसको इस तरीके से क्या करेंगे, उसको घुमाएंगे कौन से प्लेन में? वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन में जब पार्टिकल घूमेगा तो क्या परफॉर्म करेगा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। सिंपल है। तो हमारे पास कोई पार्टिकल है जो क्या कर रहा है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अपने को क्या करना है, ध्यान से सुनना, अपने को कुछ चीजें निकालनी है इसके अंदर। तो ये इस प्लेन में क्या कर रहा है? इस प्लेन में बेसिकली ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ये वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मिडवे पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? मिडवे पॉइंट। ये वाला है मिडवे पॉइंट, M बोलेंगे इसको। इस वाले पॉइंट को बोलेंगे हाईएस्ट पॉइंट और इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे? लोएस्ट पॉइंट। यहां तक क्लियर है? ये वाला पॉइंट अपने आप ही क्या हो जाएगा? मिडवे हो जाएगा ना, ये मिडवे पॉइंट। ठीक, अपने को क्या करना है? हाईएस्ट पे, मिडवे पे और लोएस्ट पे इसकी स्पीड निकालनी है। मिनिमम कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी वो निकालनी है। हर एक पॉइंट पे टेंशन निकालना है और हर एक पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकालनी है। तो तीन चीजें आपको निकालनी है इसके अंदर, ठीक है ना। क्या क्या निकालना है? सबसे पहले क्या निकालेंगे आप लोग? टेंशन निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हर एक पॉइंट पे आप लोग स्पीड निकालेंगे और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? हर एक पॉइंट पे एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? टोटल एनर्जी। ये चीजें आपको इसके अंदर निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले टेंशन की एक इक्वेशन लिखनी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है, टेंशन की एक इक्वेशन लिखनी है और उसमें फिर थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना है, टेंशन आपको मिलते जाएगा। और समझ आई? ऐसा है। कैसे लिखेंगे? बहुत इजी है। तो आप क्या करो, सबसे पहले ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं ध्यान से सुनना। यहाँ पर कोई फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल क्या कर रहा है? VCM परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है? VCM, वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर मैंने एक रस्सी ली, उस रस्सी से एक पार्टिकल यहाँ पर लगा दी। अब ये पार्टिकल VCM परफॉर्म कर रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसके किसी भी पॉइंट पर टेंशन कितना होगा, तो मैं निकालना चाह रहा हूँ। कैसे निकालूंगा? आइए इसको समझते हैं। इसका जो यहाँ पर एंगल बनाया उसने अभी कितना बनाया? थीटा। पार्टिकल घूम रहा है, जैसे ही पार्टिकल घूमते घूमते यहाँ पहुंचा, मैंने स्टैच्यू बोल दिया उसको, अब वो रुका हुआ है। अब एंगल कितना बना हुआ है? थीटा। नीचे क्या लगेगा? mg। ऊपर क्या लगेगा? टेंशन। याद समझ आता है? याद रखना, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में हमेशा नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करवाना और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में mg को रिजॉल्व कराना, इससे प्रॉब्लम ज्यादा आसान होगा, ठीक है ना। अब ये कौन सा परफॉर्म कर रहा है? VCM। तो उसमें टेंशन को नहीं रिजॉल्व है, टेंशन भी टेढ़ा है, mg भी टेढ़ा है, लेकिन रिजॉल्व किसको कराना? mg को। mg को इसके रिस्पेक्ट में रिजॉल्व कराएंगे हम लोग ऐसे। बात समझ आई? करवा सकते ना, इसको इसके रिस्पेक्ट में रिजॉल्व करा दिया मैंने। ये थीटा है, तो बच्चों यहाँ पर ये भी क्या बनेगा आपका? थीटा बनेगा। कैसे? ये देखो, ये लाइन है, ये लाइन है, दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से थीटा बना। ये क्या बनेगा फिर बताओ? mg cos थीटा। और ये क्या बनेगा? mg sin थीटा। अब सेंटर की तरफ कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं? टेंशन और mg cos थीटा। तो दोनों मिलकर के क्या प्रोवाइड करेंगे? सेंट्रीपेटल फोर्स। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? T - mg cos θ। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv² / r। T माइनस ये क्या होगा आपका? mg cos थीटा। इसको यहाँ भेज दो, therefore टेंशन क्या हो जाएगा बताओ? mg cos θ + mv² / r।
ये आ गया आपका टेंशन, क्लियर हो गया। जनरल एक्सप्रेशन फॉर टेंशन, पहले आपको ये डिराइव करना है, इसके बाद आप टेंशन कहां निकालेंगे, लोवेस्ट पर, मिडवे पर और हाईएस्ट पर, तीनों पे अलग अलग टेंशन निकालना। कैसे निकालेंगे अभी समझते हैं उसको, यहां तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ सबसे पहले मुझे, जब ये पार्टिकल तो अभी यहां पर है, यहां पर स्टैच्यू बोल दिया इसको ना, अगर पार्टिकल लोवेस्ट पे होता तो एंगल कितना होता, जीरो, पार्टिकल मिडवे पे जाएगा तो एंगल 90 और हाईएस्ट पे जाएगा तो 180, यहां तक क्लियर है। अभी कितना है, जीरो, मिडवे पे पहुंचा तो 90, यहां पहुंचा तो 180, अगर इतना आपको पता है फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे पास टेंशन क्या है बताओ, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है ना। चलो अब हम लोग निकालेंगे टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट्स, टेंशन एट एच एल एम, यहां हम लोग अभी टेंशन निकालेंगे, ठीक है ना। चलो अब टेंशन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एट लोएस्ट, लोवेस्ट पे निकालते हैं, लोवेस्ट पे थीटा कितना होता है, जीरो, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, जीरो, तो टी एल माइनस क्या हो जाएगा, एम जी, और ये क्या हो जाएगा, कॉस जीरो, और ये क्या होगा बताओ, एम वी एल स्क्वायर बाय आर, ध्यान रखना क्योंकि लोएस्ट की वेलोसिटी लिखनी है आप, बताओ क्या होगा, टी एल क्या मिलेगा बोलो, एम वी एल एम जी कॉस थीटा, इसको वहां भेज दो, कॉस जीरो कितना होता है वन, तो एम वी एल स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी, क्योंकि कॉस जीरो तो वन हो गया, एम जी उधर चला गया, तो ये लोएस्ट पे टेंशन आ गया, समझ आया। ऐसी टेंशन किसका निकालेंगे, मिडवे का, फिर हाईएस्ट का, बताओ एट मिडवे एम पे थीटा कितना है 90, कॉस 90 कितना होता है जीरो, बोलो भाई, टी एम माइनस क्या लिखूंगा, एम जी कॉस 90, एम वी एम स्क्वायर बाय आर, ये तो खत्म हो गया, देयरफॉर टी एम क्या मिलेगा बताओ, टी एम मिलेगा एम वी एम स्क्वायर बाय आर, ये आ गया आपका टेंशन, क्लियर है। चलो इसके बाद क्या आगे, आगे क्या है, एट कहां पर, एट हाईएस्ट, हाईएस्ट पे थीटा कितना होगा 180, cos 180 इज माइनस वन, देयरफॉर टी एच माइनस एम जी कॉस 180 इज इक्वल टू क्या होगा, एम वी एच स्क्वायर बाय आर, बोले cos 180 कितना होता है माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो टी एच क्या मिलेगा बताओ, एम जी प्लस, सॉरी एम वी स्क्वायर बाय, ये तो प्लस हो गया, उधर जाके माइनस, तो एम वी एच स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी, ये हाईएस्ट का टेंशन आ गया, समझ आई। तो इसमें बेसिकली वीसीएम में तीन पार्ट है, पहला पार्ट क्या था, टेंशन निकालना, बहुत ईजी है इस तरीके से टेंशन निकाल लेना, भेजे में गया, बस टेंशन की इक्वेशन को डिराइव करो, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आराम से टेंशन आ जाएगी, क्लियर है। चलो ये भी समझ में आता है। इसके बाद आगे अगर आपसे कोई पूछे कि टी एल माइनस टी एच निकालो, तो आप क्या करेंगे, फिर टी एल माइनस टी एच निकालो, क्या करना पड़ेगा, अच्छा उसके लिए पहले वेलोसिटी, ये आ चुका एग्जाम में, अभी मैं निकालना सिखाता हूँ, वेलोसिटी पहले डिराइव करते हैं। अब क्या निकालना भाई, टेंशन हो गया, अब क्या निकालना है, अब वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, वेलोसिटी, वेलोसिटी एट कहां पर, एट एल एम एच, समझ आया, कौन सा पार्टिकल है ये, वीसीएम परफॉर्म करता हुआ पार्टिकल, वहां पर अपने को क्या करना है कि लोएस्ट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी, मिडवे पे मिनिमम कितनी होनी चाहिए और हाईएस्ट पे कितनी होनी चाहिए, कि वो क्या करे, पूरा लूप कंप्लीट करे, अगर उससे कम वेलोसिटी हुई तो वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं करेगा। इसमें और भी केसेस हम लोग पढ़े थे सर्कुलर मोशन के मॉड्यूल में, हम लोग जब एंट्रेंस पढ़ रहे थे तो उसके अंदर और भी बताया था, कब वो ऑसिलेट करेगा, कब वो ऊपर तक पहुंच करके वापस आ जाएगा, हमको वो सब नहीं देखना है इसके अंदर, बस अलग अलग मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है। आइए समझते हैं कहाँ कहाँ निकालनी है, तो लोएस्ट पे निकालनी, मिडवे पे निकालनी और कहाँ निकालनी है, हाईएस्ट पे निकालनी, कैसे निकालेंगे, इसमें हाईएस्ट पे वेलोसिटी निकालने का तरीका डिफरेंट है और बाकी दोनों का डिफरेंट है, मैं भी आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पे कैसे निकालेंगे, तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, वी एट एच, उसका क्या है, अब हम लोग ने अभी टेंशन देखा, टेंशन क्या होता बताओ, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर, टी एच क्या बोलेगा बोलो, थीटा कितना होगा, 180 कितना होगा, माइनस वन, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, उधर आके फिर क्या होगा माइनस, तो एम वी एच स्क्वायर बाय आर माइनस क्या हो गया एम जी, बात समझ आई। अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि जब मैं इसको ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराऊं तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते वक्त उसके हाईएस्ट पॉइंट पे कम से कम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है, कम से कम इतनी रखनी पड़ेगी तब वो लूप कंप्लीट करने का, वरना वो रिटर्न आ जाएगा, समझ आया। तो अगर मुझे वेलोसिटी को मिनिमम करना है
तो मुझे टेंशन को भी क्या करना पड़ेगा, मिनिमम रखना पड़ेगा। और रस्सी वाले केस में मिनिमम टेंशन क्या हो सकता है, जीरो, क्या हो सकता है, जीरो। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जीरो इक्वल्स टू क्या होगा, ये हो जाएगा एम वी एच स्क्वायर बाय आर माइनस क्या होगा, एम जी, एम जी उधर जाएगा तो एम वी एच स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू क्या होगा, एम जी, एम और एम क्या होगा कैंसिल, तो वी एच क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ आर जी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी आपको इतनी रखनी पड़ेगी, इससे कम वेलोसिटी किए तो वो ऊपर कंप्लीट नहीं कर पाएगा, वहां से फिर रिटर्न हो जाएगा, ये में गया ऐसा है, ये हम मिनिमम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। अब क्या करना है बताओ, वेलोसिटी अब कहाँ निकालनी है, हाईएस्ट पे हो गई, हाईएस्ट का तरीका ये है, अब निकालनी है मिडवे पे और लोएस्ट पे। अब वो कैसे निकालेंगे, अभी समझाता हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन से निकालेंगे। तो वेलोसिटी एट मिडवे निकाल लो सबसे पहले, तो वेलोसिटी एट मिडवे कैसे आएगा, देखो जब पार्टिकल यूवीसीएम परफॉर्म कर रहा था एनर्जी कंजर्व हो रही है, क्योंकि फोर्सेस सिर्फ कंजर्वेटिव है, अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव है मतलब टोटल एनर्जी कंजर्व हो गई, टोटल एनर्जी कंजर्व हो रही मतलब यहाँ पर जितनी टोटल एनर्जी है यहाँ पर भी उतनी टोटल एनर्जी होगी, यहाँ पर भी उतनी होगी और यहाँ पर भी उतनी होगी, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। टोटल एनर्जी मतलब यहाँ पर काइनेटिक और पोटेंशियल का जो सम है यहाँ पर भी उतना ही होगा, कम ज्यादा हो सकते हैं काइनेटिक पोटेंशियल, लेकिन सम क्या होगा, बराबर होगा। इसका ये मतलब हुआ कि मैं ये लिखूंगा बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के टोटल एनर्जी एट कहाँ पर मिडवे इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, कहाँ की स्पीड निकाली अभी, हाईएस्ट की, तो वो वाली टोटल एनर्जी एट क्या होगा, हाईएस्ट। टोटल एनर्जी एट मिडवे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट मिडवे प्लस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट मिडवे इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी मिडवे पे, हाफ एम वी एम का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी एच, मिडवे पे कितनी होगी, एम जी एच। ध्यान से सुनना मेरी बात, हमारा डेटम ये जीरो लेवल ये माना मैंने, जब वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो कितनी हाइट ऊपर चला गया, रेडियस के बराबर, कितनी हाइट ऊपर चला गया, हाँ यहाँ से वहाँ पहुँचा ना तो कितनी हाइट ऊपर गया, रेडियस के बराबर। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, एम जी एच की जगह पर एम जी आर, भेजे में गया। यहाँ पर बताओ काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट बताओ क्या होगा, हाफ एम वी एच का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट, फॉर्मूला क्या है, एम जी एच, यहाँ से यहाँ पहुँचा तो कितनी हाइट, हाँ टू आर, तो क्या लिखेंगे, एम जी इंटू टू आर। समझ आया, चलो ये भी क्लियर है। अब सब में से m कैंसिल कर दो, क्या बचेगा बताओ, ये क्या मिलेगा, vm का स्क्वायर बाय 2 प्लस ये क्या होगा rg, ये क्या होगा बताओ, ये है vh का स्क्वायर बाय 2 और ये क्या है 2rg। अब बताओ क्या करना पड़ेगा, vh तो आप लोगों ने निकाल लिया, कितना आया vh मिनिमम, कितना आया, अंडर रूट ऑफ rg, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा rg, तो rg बाय 2 प्लस ये क्या है 2rg और ये क्या है vm का स्क्वायर बाय 2 प्लस ये क्या है rg, ठीक है ना। अब इसको समझो क्या कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताओ, ये क्या हो जाएगा 2 टू द 4 प्लस 1 क्या होगा 5, तो 5 आर जी बाई 2 और ये क्या है बताओ vm बाय स्क्वायर, vm का स्क्वायर बाय 2 और ये rg, ये rg को उधर भेजो बताओ क्या मिलेगा, vm का स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा, vm का स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 5 आर जी बाय 2 माइनस क्या होगा rg, 2RG तो कितना हो जाएगा ये 3RG by 2, तो VM का square क्या by 2, 2 और 2 cancel, तो VM क्या मिलेगा under root of 3RG, VM आ गया। ये VM पे क्या है, minimum velocity है, बस समझ आई, देखने में बस बड़ा लग रहा है, आप दो तीन बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब वेलोसिटी मिडवे पे निकाल लिया, अब कहाँ निकालना है, लोवेस्ट, क्या लिखूंगा उधर पे बताओ, टोटल एनर्जी एक तो वो लेना पड़ेगा जहां पर निकालनी है, टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी या एट हाईएस्ट या एट मिडवे, जो आपको ठीक लगे, या आप लोग घर पे ट्राई करना है इसको, ठीक है ना, मैं करा चुका हूँ ऐसे भी, ट्राई कर लेना, यहाँ तक क्लियर। चलो तो इस तरीके से वेलोसिटी भी हो गई, हाईएस्ट पे हो गई, मिडवे पे हो गई, और लोएस्ट पे आती कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लोएस्ट पे आती है अंडर रूट ऑफ 5RG, कितनी आती है अंडर रूट ऑफ 5RG, तो आपको याद भी कराया था मैंने, अगर पार्टिकल क्या कर रहा है, वीसीएम परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर मिनिमम अंडर रूट ऑफ आरजी, यहाँ पर मिनिमम अंडर रूट ऑफ 3RG और यहाँ पर मिनिमम कितनी रखनी पड़ेगी अंडर रूट ऑफ 5RG, इससे कम वेलोसिटी करी दो पार्टिकल पूरा वीसीएम पूरा लूप कंप्लीट नहीं करेगा, ये सब कौन सी वेलोसिटीज है मिनिमम, याद करने का तरीका है अंडर रूट ऑफ 1RG 3RG 5RG ऑड नंबर्स के रेशियो में जाता है, बस समझ आई, ऐसा है, ऊपर से नीचे आओ ऑड नंबर्स के रेशियो में आएगा, यहाँ तक क्लियर है। अब टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन हर एक पॉइंट पर निकाल लेना है, टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन कैसा है चेक करना है, टोटल एनर्जी एड कहाँ निकालनी, हाईएस्ट पे निकालनी, हाईएस्ट पे टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे बताओ, टोटल एनर्जी क्या होती है भाई,
टोटेंजी एट हाइएस्ट, बोलो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट हाइएस्ट प्लस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइएस्ट। आपको इससे पता लगेगा कि हर पॉइंट पे एनर्जी क्या है, बड़ा सेम है, हर पॉइंट पे एनर्जी सेम है। काइनेटिक एनर्जी हाइएस्ट क्या होगा बोलो, हाफ एम वी एच का स्क्वायर, ये क्या होगा एम जी इंटू टू आर, ये समझा। अब बताओ वी एच कितना है बोलो, अंडर रूट ऑफ आर जी, स्क्वायर करेंगे तो आर जी, तो बोलो क्या होगा हाफ एम और ये क्या होगा आर जी प्लस क्या बताओ टू एम आर जी, ये कितना हो जाएगा बोलो, टू टू जा फोर प्लस वन कितना हो जाएगा फाइव बाई टू एम आर जी। तो टोटल एनर्जी कितनी आई फाइव बाई टू एम आर जी। अब टोटल एनर्जी कहाँ पर निकालेंगे आप बताओ, हाँ मिडवे पे निकालो, मिडवे पे टोटल एनर्जी निकालेंगे तो क्या आएगा टोटल एनर्जी एट मिडवे, बोलो कितना आएगा बोलो काइनेटिक एनर्जी एट मिडवे प्लस क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी एट मिडवे, बोलो क्या होगा हाफ एम वी एम का स्क्वायर प्लस क्या होगा एम जी आर, समझ गए वेरी गुड। हाफ एम वी एम कितना होगा बोलो अंडर रूट ऑफ थ्री आर जी, थ्री आर जी प्लस क्या होगा एम आर जी, बोलो कितना हो जाएगा ये टू उधर जाएगा, टू उधर जाएगा तो थ्री एम आर जी प्लस टू एम आर जी कितना हो जाएगा फाइव बाई टू एम आर जी, सेम आया लोएस्ट पे भी सेम आएगा, बस समझ आई। तो इससे समझ आएगा कि एनर्जी कंजर्व हो रही है, हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या है सेम है, क्लियर हो गया। चलो तो ये भी आपको समझा दिया मैंने। इसके बाद ये तो मास टाइड टू अ स्ट्रिंग था, अब क्या है मास टाइड टू अ रॉड, एक रॉड वाला केस अपने को देखना है, यहां तक क्लियर है ठीक है। अब इसके बाद जो है ये तो देख लिया हम लोग ने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मास टाइड टू अ स्ट्रिंग, अब मास टाइड टू अ रॉड ठीक है, मास टाइड टू अ रॉड, अगर हम लोग ने क्या कर दिया एक रॉड लिया, उस रॉड के एंड पे फॉर एग्जांपल जैसे एक च्विंगम चिपका दिया वो है एग्जांपल के तौर पर, और इसको क्या करा रहे हैं अभी रोटेट करवा रहे हैं, अगर इसको रोटेट करवा रहे हैं तो बेसिकली अपने को क्या करना है, अपने को इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, बस वेलोसिटी निकालनी है कहाँ पर हाईएस्ट पे लोएस्ट पे निकालनी है, लोएस्ट पे कितनी मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी, हाईएस्ट पे तो मिनिमम उसकी जीरो हो सकती है क्योंकि रॉड है उसके पास मास है तो अपना इनर्शिया है, जीरो भी हो गई तो अपनी वेलोसिटी के अपने इनर्शिया की वजह से वो क्या करेगा लूप को कंप्लीट कर लेगा, तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है इसकी जीरो हाईएस्ट पे, लेकिन स्ट्रिंग में जीरो नहीं हो सकती, स्ट्रिंग में जीरो हो गई तो रस्सी स्लैक कर जाएगी ठीक है ना, चलो भैया वो लूप कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो कहाँ पर था मैं कि अपने को क्या करना है रॉड वाले केस में निकालना है कि आप क्या निकालना है वी एल मिनिमम निकालना है कि लोएस्ट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, बुक में डेरिवेशन नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे तो मैं लिखा हुआ है इट इज लेफ्ट टू द रीडर्स टू डिराइव द फॉर्मूला, ठीक है तो आप खुद डिराइव कर लो फॉर्मूला, बता देता हूँ मैं क्या करना है, वेलोसिटी निकालने का तरीका पता है अपने को, क्या तरीका है एनर्जी कंजर्वेशन, तो क्या लिखूंगा मैं टोटल एनर्जी हाईएस्ट पे पता है ना मेरे को वेलोसिटी कितनी हो सकती है मिनिमम यहाँ पर जीरो, यहाँ पर कितनी हो सकती है जीरो, तो टोटल एनर्जी हाईएस्ट पे और टोटल एनर्जी क्या करना है लोएस्ट पे निकालना है, यहाँ लोएस्ट लिख देता हूँ और ये क्या होगा टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट, लोएस्ट पर टोटल एनर्जी क्या होगा बोलो काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट यानी क्या होगा हाफ एम वीएल का स्क्वायर प्लस लोएस्ट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जीरो, और ये क्या होगा बताओ हाफ एम वीएच का स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी एमजी इनटू टू आर, अब ये तो एच वीएच मिनिमम तो कितना है जीरो तो भी गया, तो क्या बचा हाफ एम वीएल का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा एमजी और ये क्या होगा टू आर, एम और एम खत्म, तो वीएल क्या मिला टू टू जा फोर अंडर रूट ऑफ फोर जी आर वीएल मिनिमम, तो रस्सी वाले केस में लोएस्ट पे कितनी रखनी पड़ेगी वेलोसिटी लूप कंप्लीट कराने पर के लिए कम से कम अंडर रूट ऑफ फाइव आर जी और यहाँ पर अंडर रूट ऑफ फोर आर जी, बात समझ रहे, तो कभी कभी फोर को बाहर निकाल के रूट टू रूट ऑफ आर जी ऐसा भी लिखा जा सकता है, समझ आया, बस इसमें एक ही डेरिवेशन है, ये आप पे छोड़ देता हूँ मैं कि टी एल माइनस टी एच ये निकाल के लाना आप लोग, बात समझ आई रॉड में भी स्ट्रिंग में भी दोनों में ट्राई करूंगा। इसके बाद बच जाता है आपका क्या स्फीयर ऑफ डेथ, क्या बच जाता है स्फीयर ऑफ डेथ, तो स्फीयर ऑफ डेथ क्या होता है या ग्लोब ऑफ डेथ कह लो, पूरा ऐसे ही एक गोला होता है तो पूरा मेटल का बना हुआ होता है उसके अंदर बाइक को चलाते हैं, जब वो हॉरिजॉन्टल सर्कल पर परफॉर्म करेगा तो कॉनिकल पेंडुलम के फंडे लगाने और जब वो वर्टिकल सर्कल परफॉर्म करेगा तो वीसीएम के फंडे लगाने, कुछ नया नहीं पढ़ना है इसके अंदर, बस भाई जब वर्टिकल सर्कल परफॉर्म करेगा तो वीसीएम वाले फॉर्मूले लगाना, हॉरिजॉन्टल सर्कल परफॉर्म करेगा बाइक से तो कॉनिकल पेंडुलम वाले फॉर्मूले लगा देना, बस मैंने यही बुक में भी लिखा हुआ है। और लास्ट टॉपिक है व्हीकल ऑन अ कॉन्वेक्स ब्रिज, ठीक है ना, तो व्हीकल ऑन अ कॉन्वेक्स ब्रिज, व्हीकल ऑन अ कॉन्वेक्स ब्रिज, कॉन्वेक्स ब्रिज मतलब हमारा स्पीड ब्रेकर, कॉन्वेक्स ब्रिज क्या होता है स्पीड ब्रेकर होता है, तो अगर ये इस तरीके से हमारे पास एक स्पीड ब्रेकर है और स्पीड ब्रेकर पे हमारी गाड़ी है तो नीचे क्या लगेगा एम जी, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर ये स्पीड ब्रेकर के आप अंदर का सर्कल इमेजिन करो तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहे हैं उसको क्या बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स,
तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है mg, और ऊपर की तरफ क्या है नॉर्मल रिएक्शन, तो mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन किसका काम करेगा mv स्क्वायर बाय r। मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि हम कितनी स्पीड रख सकते हैं मैक्सिमम कि वो कॉन्टैक्ट छोड़ दे। स्पीड बढ़ाते गए बढ़ाते बढ़ाते एक मैक्सिमम स्पीड पे आ सकते हैं, उससे ज्यादा अगर स्पीड रखी तो क्या करेगा वो कॉन्टैक्ट छोड़ देगा। कॉन्टैक्ट छोड़ देगा तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा जीरो। तो नॉर्मल रिएक्शन को फॉर नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू जीरो, नॉर्मल रिएक्शन को जीरो पुट करो तो एम जी किसके बराबर आएगा एम वी स्क्वायर बाय आर, एम और एम कैंसिल, वी जाएगा अंडर रूट ऑफ आर जी। तो इतनी मैक्सिमम स्पीड आप रख सकते हैं, इससे ज्यादा स्पीड करी तो हवा में उड़ जाएगा पूरा, इससे कम ही रखनी है एक्चुअली, इससे कम स्पीड। आप देखते होंगे यहाँ पर जो वो देखो काली पीली पट्टी वाले स्पीड ब्रेकर है, उसका आप सोचो कितना कम रेडियस होगा, छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर है ना, रेडियस जितना कम होगा मैक्सिमम स्पीड भी उतनी कम होगी, मतलब बहुत कम स्पीड रखने पर भी गाड़ी उछल जाती है, उसमें बहुत स्लोली जाना पड़ता है आपको, उसमें समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। यही रीज़न की वजह से, क्योंकि उसका रेडियस क्या है बहुत कम है, रेडियस कम है तो वी मैक्सिमम भी क्या रखना पड़ेगा बहुत कम स्पीड से जाना पड़ता है। जनरली वो कहाँ लगाया जाता है गलियों में लगाया जाता है, यहाँ थोड़ी लगाते हैं रोड पे थोड़ी, वो छोटा छोटा स्पीड ब्रेकर लगाए कहाँ लगाते हैं, जहाँ पर स्कूल हो या कोई बिल्डिंग हो, बिल्डिंग के बाहर लगा दो या हॉस्पिटल के बाहर लगा दो, बस हमारे छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर लगाते हैं ताकि स्पीड बहुत कम हो वरना गाड़ी उछल जाएगी उसमें। बात समझ आई, ऐसा है, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपका पहला पार्ट कंप्लीट, ठीक है ना, उसके बाद दूसरे पार्ट में रोटेशन देखेंगे।